हेलो बच्चों बच्चों, आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हम लोग? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर होने वाला है, जिसका आने वाला वन शॉट, यानी एक ही बच्चों वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का कंसेप्ट और साथ ही साथ बच्चों क्या मिलने वाला है, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटे एक एग्जाम पॉइंट से बच्चों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है बेटे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन को। एक्चुअली बेटे मोशन स्ट्रेट लाइन है क्या? जैसे आप लोग जानते हैं बेटे, स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात कर रहा, यानी जैसे आप बाइक लें और किसी रोड पर जो स्ट्रेट लाइन हो यानी सीधी हो उस पर ट्रेवलिंग करें, तो क्या होगा, आप मोशन कर रहे हैं किस पर? उस रोड पे कर रहे हैं। तो क्या है मोशन के बच्चों कंसेप्ट समझते हैं? मोशन तो आप जनरली समझते हैं, जैसे एरोप्लेन मूव कर रहा है कहां, स्काई में, वो भी मोशन कर रहा है। फैन बेटा आपका रोटेट कर रहा है, जैसे सीलिंग फैन जो है वो भी मोशन कर रहा है। उसके साथ साथ काफी चीजें, और सपोज करो आपकी आपकी क्या है बेटे, आप पैदल चल रहे हैं तो आप मोशन कर रहे हैं। तो आइए बच्चों पहले समझते हैं एक्चुअली में मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट टर्म क्या है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कब कहेंगे मोशन में है, कब कहेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट में है। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट मोशन स्टेट लाइन में क्या है बेटे, आप सपोज करो बेटे क्या है, पैसेंजर्स हैं बेटे, क्या है आपका पैसेंजर्स हैं, और ये क्या है बेटे आपका बस है। ध्यान दीजिएगा, आपकी बेटे बस है या वैन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये बेटे पैसेंजर्स हैं, ठीक है। अब इस पैसेंजर के लिए बेटे ये वैन रेस्ट में है या मोशन में है, कैसे आप कहेंगे कि ये वैन मोशन में है कि रेस्ट में? आप यहां पे हैं, यहां से क्या देखेंगे बच्चों, इस वैन को देखेंगे। अगर वैन बेटा क्या करे टाइम के साथ सपोज करो बेटे इनिशियल में टी इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल टाइम जब देखना आपने चालू किया, कहां से बेटे, इस पोजीशन से इस बस को आपने देखना स्टार्ट किया। अगर स्टार्टिंग में आपको पोजीशन यहां मिले और कुछ टाइम बाद आप फिर देखें, यानी कुछ टाइम बाद यहीं से आप इस बस को फिर देखें, अगर पोजीशन बेटे ऐसे ही मिल रही है जैसे अभी है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तब भी आपको ऐसे दिख रही होगी, तो क्या कर रही बच्चों, ये बस टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, यानी हम क्या कहेंगे बस रेस्ट में। तो सिंपली बच्चों किसी एब्जेक्ट कहेंगे रेस्ट में है कि मोशन में है, एक चीज केवल ध्यान बेटे देना है कि आप उस ऑब्जेक्ट को देखिए, कहीं से भी आप देख रहे हो, अगर बेटे वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो यानी क्या है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर बेटे टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो बेटे रेस्ट में है। अब यहां से आप अगर इस बस को आप देखेंगे, टाइम मान लीजिए आप इस अभी जस्ट आपने देखा 10 o'clock पे, और आपने आधे घंटे बाद फिर देखा, आपको बस यही दिख रही है, कुछ टाइम बाद बेटे फिर आपने देखा बस क्या है आपको ऐसे दिख रही है, यानी पोजीशन टाइम के साथ बच्चों नहीं चेंज कर रही है, तो हम क्या कह देंगे, बस रेस्ट में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा बेटे, अभी क्या है टाइम के साथ जरा देखिए बेटे, मैंने अभी देखिए इस स्टैंड पे बेटा देखा तो हमको यहां दिखा कुछ टाइम बाद यहां, कुछ टाइम बाद यहां, कुछ टाइम बाद यहां, कुछ टाइम बाद यहां। ध्यान से बच्चों मोशन देखिए आप बस का, इसके बस का मोशन आप ध्यान से देखिए बेटे, टाइम के साथ पोजिशन चेंज कर रहा है, यानी इनिशियल बेटा यहां था, कुछ टाइम बाद आपको यहां मिला बस, हो सकता है 1 second बाद, हो सकता है टी इज इक्वल टू बेटे 2 second पे पोजिशन यहां मिली, टी जो इक्वल टू 3 second बेटे पोजीशन यहां मिली। अब ऐसे आगे बस जाती जाएगी बच्चों, आपको क्या दिखेगा, टाइम के साथ इस बस का पोजीशन चेंज होते हुए, यानी बेटे आप क्या कहेंगे, बस किसमें है बेटे, मोशन में। सिंपल सवाल है, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बस, तो आपको क्या दिख रही है बच्चों, बस मोशन में दिख रही है। आइए और मोशन और रेस्ट पॉइंट को बच्चों समझते हैं एग्जाम्पल से। बेटे ये देखिएगा, ये देखिएगा, अगर आप बस के अंदर बैठे हैं, एग्जाम्पल वही बेटे, अगर आप बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, पैसेंजर इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू बेटे, इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा आपको, इमोशन में दिखेंगे यहां के पैसेंजर। लेकिन अगर सपोज बेटा ऐसा करिए, आप अंदर इसके बैठे हो, ठीक है, उल्टा कर लीजिए, अभी क्या था बेटे, बस स्टैंड पे अगर आप खड़े हो तो क्या दिखेगा आपको, इमोशन में दिखेगा,
जब टाइम के साथ अपना पोजिशन चेंज करे। लेकिन उल्टा करिए बच्चों, आप बस के अंदर बैठ जाइए, समझिए बेटे सेकंड पॉइंट को। आप इस बस के अंदर बैठ गए, ये सीट है आप बेटे ऐसे, अगर बेटे आप बस के अंदर बैठ गए, आप इनको देख रहे हैं कि इनको जो बस स्टैंड पे खड़े हैं बेटे, आपका बस स्टैंड है, यानी बस स्टैंड पे कुछ लोग खड़े हैं। आप ऑब्जर्व किए होंगे बेटे डेली लाइफ में भी, आप बस से आप जा रहे हो, बस स्टैंड पे आपको कुछ लोग खड़े दिख रहे हो ऐसे, तो क्या बेटे आपके लिए बस मोशन में है? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप इसके अंदर बेटे बैठ गए तो टाइम के साथ क्या पोजीशन चेंज कर रहा है आपका? यानी आप अगर इस सीट पे बेटे बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर बेटे आप अंदर बस के हैं तब मैं बातें कर रहा हूं, अगर बेटे सपोज करो इनिशियल में आप यहां पे हैं बैठे, ठीक है, क्या कुछ टाइम बाद बेटे आप यहां उठ के चले आते, क्या दूसरे सीट बैठ जाते हैं क्या? बिना कुछ किए आप यहां थोड़ी आते हैं। अगर बस के अंदर आप बैठे रहते हैं तो सिंपल सा बात है बेटे, बस आपके लिए रिस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि बेटे बस पे किसी सीट पे आप बैठ जाएं, टाइम के साथ उसका पोजीशन नहीं चेंज होने वाला है, ये आपको बिल्कुल पता है। तो आपके लिए तो बस बेटे रेस्ट में होगा, लेकिन आपने जब इमेजिन किया हो बेटे बस में बैठ के बाहर किसी एडिट को आपने कभी देखा हो, तो बाहर की एडिट आपको मोशन में दिखती है, यानी बाहर अगर ट्री हो या व्हीकल अगर खड़ी हो या पर्सन कोई खड़ा हो बेटे बस के बाहर, तो आपकी बस अगर जा रही होती तो बाहर की एडिट क्या बच्चों दिखती है आपको? मोशन में दिखती है। बस आपको नहीं दिखता मोशन में, क्यों? क्योंकि बस में कोई पर्सन जो बैठा है या कोई सीट या कोई पॉइंट बस का टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज करते हुए दिखेगा। यानी आप अगर बस के किसी पॉइंट को देखेंगे तो टाइम के साथ आपको पोजीशन बस चेंज करती नहीं दिखेगी, यानी बस के अंदर बैठ जाएंगे तो बस आपको रेस्ट में दिखती है। क्यों? क्योंकि बेसिक डिफिनेशन क्या है? टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। यानी आपको लगेगा बस रेस्ट में, लेकिन बाहर अगर बेटे आप इन लोगों को देखेंगे, आप बस में बैठ के बाहर जब लोगों को देखते हैं यानी इन लोगों को देखेंगे तो क्या दिखेगा? जरा ध्यान दीजिएगा, आप देखिए बस में बैठ के बच्चों देख रहे हैं, आपकी बस मोशन करने लगी बेटे ऐसे जा रही, देखिए ध्यान से, तो अब आपको क्या दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किधर? पीछे की तरफ भाग रहा है। ऐसा आपने रियलाइज किया होगा बेटे रियल लाइफ में, जब बस आपकी आगे की तरफ जाने लगती है तो आपको पर्सन दिखने लगते हैं पीछे की तरफ भागते हुए। तो क्या होता बेटे, आप अगर बस बैठे हैं तो आपको एक पर्सन जो खड़े हैं वो मोशन में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे आपके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? पोजीशन बच्चों यहां थी, अभी आप यहां थे, पोजीशन यहां थी, आप यहां चले गए तो आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन की चेंज हो गई, फिर आप बेटे यहां कहीं चले गए बस से, फिर पोजीशन चेंज हो गई किनकी? इन पर्सन की जो खड़े हैं बस स्टैंड पे। यानी बेटे टाइम के साथ आपको क्या दिख रहा है? पोजीशन चेंज होते हुए जो बाहर की ऑब्जेक्ट है, बस में बैठ के आपने ऑब्जर्व किया होगा, बस अगर तेजी से निकल रही हो तो बाहर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ तेजी से भाग रहा है, यानी बाहर का ऑब्जेक्ट का बेटा क्या है? पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे अगर हम देखें टाइम के साथ पोजीशन चेंज करें तो यानी बच्चों क्या है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होती है। आपने ऐसे ट्रेन में बैठ के बच्चों फील किया होगा, ट्रेन में बैठे हैं तो क्या दिखता है आपको? ट्रेन के बाहर है, अगर ट्रेन बेटे पटरी पे जा रही है तो आपको दिखेगी मोशन में। यानी क्या बेटे, बाहर से अगर देख रहे हैं तो ट्रेन टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करती है। रियल लाइफ में आप देखिएगा चीजों को, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज करती हुई दिखेगी बच्चों, यानी मोशन में। अगर उल्टा बेटे आप ट्रेन में बैठ जाते हैं तो ट्रेन में जो पर्सन आपके पापा मम्मी जो बगल आपके बैठे हैं, क्या एक डिब्बे से यानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में उड़ के चले जाते हैं? अहबत कुछ होता नहीं रियल लाइफ में। जहां आपके पापा अगर सामने वाली सीट पे बैठे हैं ट्रेन में तो सामने वाली सीट पे दिखते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेन के अंदर बेटे आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, यानी रेस्ट में। लेकिन बाहर अगर गलती से आप देख लिए बेटे, जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या जो घर वर बने हैं आपके या जो ट्री बाहर है बेटे है या व्हीकल जो खड़ी है, वो क्या दिखेंगी बच्चों? मोशन में दिखती है। जबकि क्यों मोशन में दिख रही है बच्चों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में बाहर की अपडेट बच्चों टाइम के साथ पोजिशन चेंज कर रही है, इसलिए क्या दिख रही है बच्चों? मोशन दिख रही है। तो शायद रेस्ट और मोशन आपको समझ में आ गया होगा, कहां से देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है बेटे। अगर जहां से भी आप देख रहे हो वहां से किसी अपडेट का बच्चों पोजिशन टाइम के साथ चेंज करे तो मोशन में है, अदरवाइज क्या है बेटे? वो रेस्ट में है। ठीक है, रिफरेंस फ्रेम बेटे एक टर्म होता है, यानी जहां से आप देख रहे हैं, यानी अगर बेटे यहां से देख रहे हैं तो आपके लिए रिफरेंस फ्रेम में हो गया,
आप इस रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगर इसके अंदर देख रहे हैं तो आपके लिए रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। यानी बेटे यहां से देख रहे हैं तो रेफरेंस फ्रेम, जहां से आप देख रहे हैं वो आपका रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में किसी अपडेट का बेटे क्या होगा, अगर टाइम के साथ पोजिशन चेंज करेगा तो मोशन में, अदरवाइज रेस्ट में। आइए बेटे इसकी डिफिनेशन देखते हैं, ये आपका क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन। बेटे देखिएगा बॉडी रेस्ट में कब होती है, बॉडी मोशन में कब होती है, ये लिखा है बॉडी सेट टू बी रेस्ट, आपका डिफिनेशन आपका है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने समझाया वही चीजें बेटे गिवेन है। टाइप ऑफ मोशन बेटे कितने टाइप के होते हैं, जरा इसको डिस्कशन करते हैं। टाइप ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं, यानी मोशन कितने टाइप के होते हैं जरा देखिएगा। बोटे मोशन थ्री टाइप के होते हैं, कितने टाइप के मोशन होते हैं बेटे, थ्री टाइप के मोशन होते हैं, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन। पढ़ना क्या है बेटे, वन डायमेंशन मोशन। जरा बेटे क्रॉलिंग देखिएगा एंट का, यानी चींटी जो बेटे क्या कर रही है ऐसे एक लाइन में मोशन कर रही है, ध्यान से देखिएगा मोशन को। वन डायमेंशन मोशन क्या होता है बेटे समझिएगा, मतलब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मोशन बच्चे तीन डायमेंशन में हो सकती है। वन डायमेंशन मोशन क्या होती है जरा ध्यान से देखिएगा, ये चींटियां जो है कैसे जा रहे बेटे देखिएगा, एक लाइन मोशन कर रही है, यही मोशन क्या होता है, क्या कहलाएगा बेटा आपका, वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा सिंपली। ये क्या कहलाएगा बेटे आपका, वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा। चलिए स्ट्रेट लाइन मोशन भी से कहेंगे, वन डायमेंशन मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन किसे कहेंगे बेटे, क्रॉलिंग ऑफ आंट्स यानी आंट ऐसे जा रही है, इसी मोशन को बच्चों कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। ये आपका आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है, टू डायमेंशन मोशन क्या होता देखते हैं। जरा काकरोच के बच्चों मोशन को आप ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से, काकरोच के मोशन को बच्चों ऑब्जर्व करिएगा आप ध्यान से, कैसे जा रहा फिर से देखिए कैसे जा रहा बेटा, इसके मोशन को आप ऑब्जर्व करिएगा जरा देखिएगा, कुछ कर पाथ पे जा रहा है ऐसे देखिएगा ध्यान से, मोशन ऐसे कुछ कर रहा है, यानी बेटे ऐसा मोशन उसे बोलेंगे, पहले वाले को बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों बोलेंगे। सेकंड कैसे मोशन कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर पाथ पे ऐसा कुछ मोशन कर रहा है अप्रोच। तो बेटे क्या है, ये टू डायमेंशन मोशन होता है, यानी बेटे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर एक्स वाई बेटे ड्रा करेंगे देखिएगा, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट साथ साथ बेटे वाई कोऑर्डिनेट। तो वैसे बेटा मोशन जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई दोनों की रिक्वायरमेंट पड़े, ऐसा मोशन आप क्या कहलाएगा बेटे, टू डायमेंशन मोशन। जैसे आपने काक्रोच का मोशन है देखा, एक काक्रोच का मोशन बेटे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा ये टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा आपका। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, किस टाइप का मोशन है, टू डायमेंशन बेटे मोशन है जिसे आप प्लेन मोशन ही बोल सकते हैं, टू डायमेंशन मोशन को बेटे क्या कर सकते हैं आप, प्लेन मोशन ही बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, थ्री डायमेंशन मोशन देखिएगा ध्यान से जरा बेटे, बी का मोशन देखिएगा रेंडम मोशन कर रहा है, यानी मधुमक्खी जो आपकी है इस अगर एटमोस्फेयर में बेटे मोशन कर रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, यानी रेंडमली हर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ऐसा मोशन बेटे आपका थ्री डायमेंशन मोशन कहलाता है। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा बेटे, बी का मोशन रेंडम मोशन हो रहा है, एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, एक्स गई, वाई गई, जेड भी गई, तीनों एक्स में बच्चों क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ध्यान से देखिए यही मोशन आप बेटे कहलाएगा थ्री डायमेंशन मोशन। इक्कीस टाइप के बेटे मोशन है आपका, थ्री डायमेंशन मोशन है, कैसे बेटे, स्पेस मोशन जिसको आप बोल सकते हैं, दिस मोशन इज इन स्पेस यानी थ्री डायमेंशन मोशन की बात कर रहा। तो आपको समझ में आ गया बेटे वन डायमेंशन मोशन क्या है, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है, जब पार्टिकल क्या करे बेटे किसी लाइन के लॉन्ग मोशन करे। सेकेंड हमने क्या बोला बेटे, प्लेन मोशन यानी टू डायमेंशन मोशन, जब किसी काकरोच का मोशन आपने देखा यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यानी बेटे आपको टू डायमेंशन मोशन हो गया। तीसरा बच्चों हम लोगों ने बी जो फ्लाई कर रही है इसको देखा रेंडम किसी भी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड में कर रही बेटे, तो ऐसा मोशन आपका थ्री डायमेंशन मोशन कहलाएगा, जिसे स्पेस मोशन इन स्पेस भी बोलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटे कितने टाइप के मोशन होते हैं। चलिए बेटे मोशन आपका वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन,
विथ एग्जाम्पल बेटे हो गया। आगे बढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बेटे क्या होता है जरा इसको देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है चीजों को समझते हैं बेटे। देखा रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से। रेक्टी मतलब होता है बेटे स्ट्रेट, लिनियर मतलब लाइन, यानी जब कोई पार्टिकल बेटा मोशन करे कैसे स्ट्रेट लाइन में। रेक्टी मतलब क्या होता है बेटे स्ट्रेट होता है, लीनियर मतलब बेटे क्या होता है लाइन होता है। यानी जब कोई पार्टिकल बेटे कैसा मोशन करे आपका स्ट्रेट लाइन में, ऐसा मोशन बेटे कहलाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन। यहां लिखा है मेसन मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, चलो हो गया। द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए रोड, जरा बेटे ध्यान से देखिएगा इस कार का मोशन को ऑब्जर्व करिए, नीचे कार जा रही है ध्यान से देखिए। ए मोशन बेटे कैसा है आपका स्ट्रेट लाइन ही है, एक लाइन में बच्चों मोशन कर रही है। ध्यान से बेटे देखिएगा ऑब्जर्व करिएगा किसके मोशन को, इस कार के मोशन को। तो कार का मोशन कैसे है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहां से स्टार्ट करती है सीधे स्ट्रेट लाइन बेटे आगे निकल जाती है। तो मोशन ऑफ द कार बेटे कैसा है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया बेटे, रेस्ट या मोशन कोई ऑब्जेक्ट रहेगा कब, आप ये समझ गए। और सेकेंड पॉइंट बच्चों आपने पढ़ लिया क्या कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन को बेटे क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, टू डायमेंशन को बेटे बोलते हैं प्लेन मोशन बोलते हैं उसको, थ्री डायमेंशन को आप स्पेस मोशन भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन, ये आपका समझ में आ गया। यानी वन डायमेंशन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन को ही क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए समझते हैं बेटे आप आगे इसमें क्या पढ़ने वाले हम। अगला टॉपिक बच्चों होने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेटे समझेंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आइए ध्यान से समझते हैं। अगला अपना पॉइंट क्या होने वाला बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका बेटा होने वाला है नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डिस्टेंस होने वाला। तो बेटा एक प्रॉपर एग्जाम्पल समझिए, इजी एग्जाम्पल से। यानी बेटा आप घर से आप निकले, सपोज करिए बेटा आपका एक घर है, यहां एक एग्जाम्पल लेते बेटा आपका ये होम है, और होम से बच्चों आपको कोचिंग जाना था। कहां जाना बेटा कोचिंग जाना था, आपका कोचिंग सेंटर है। होम से बेटा कहां जाएंगे आप, कोचिंग जाना था। यानी आप घर से बता के क्या निकले कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कहां से अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब हो सकता है 10 लोग यहां से निकले, यानी एक मोहल्ले से क्या हो बेटे 10 लोग निकले कोचिंग के लिए। हो सकता है कोई बच्चा सीधा साधा हो, एक सीधी रोड गई हो, कैसे यहां से वहां जाने के लिए ऐसे सीधा रोड गया हो बेटा, तो साइकिल लिया हो सीधा निकला पहुंच गया कोचिंग, ऐसा हो सकता बेटे। हो सकता है कोई बच्चा हो पहले घर से निकले, कहां जाए आइसक्रीम शॉप पे जाए बेटे, उसको आइसक्रीम खाने का बड़ा मन था, ठीक है, यहां आइसक्रीम खाया बेटे, फिर कहां गया बेटे पार्क में गया, क्यों गर्लफ्रेंड से बेटे मिलने भी जाना था उसको, क्या गया पार्क गया बेटे अपने, फिर गर्लफ्रेंड से यहां मिला, फिर बेटे टहलते हुए मंदिर गया साथ में उसके, टेम्पल जिसको आप बोलते हैं हिंदी में मंदिर, यानी टेम्पल टहला बेटे। फिर उसके बाद कहां गया, उसके बाद थोड़ा और उसने टहला कुछ देर, कहां पर और टहलने चला गया, और कहां चला गया किसी फ्रेंड के घर चला गया, अपने गर्लफ्रेंड के बाद फ्रेंड से मिलने चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटे, ओ उसके बाद उसका क्या हुआ, मन कहा कि चलो कोचिंग में चले जाते हैं, नहीं तो घर वालों ने गलती से पूछ लिया बेटे आप कहां टहल रहे थे, तो अगर पूछ लिया कोचिंग में फोन करके हमारा बच्चा पहुंचा नहीं कोचिंग, तो क्या होगा पता चल जाएगा घर वालों को, फिर अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। तो बेटे इस पिटाई से बचने के लिए क्या किया, कोचिंग जाना उसकी मजबूरी हो गई, तो कहां पहुंच गया आप, फाइनली कोचिंग पहुंच गया। यानी बेटे ध्यान से देखिएगा, तो पहले घर से निकला आइसक्रीम शॉप गया, आइसक्रीम का मजा लिया बेटे, फिर क्या किया उसने पार्क में गया गर्लफ्रेंड के साथ टहला, फिर मंदिर गया भगवान की थोड़ी पूजा अर्चना की, उसके बाद क्या हो बेटे अपने दोस्त से मिला, फिर कोचिंग गया, और एक बच्चा निकला सीधा होम से कोचिंग पहुंच गए। समझिए बेटे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मजेदार एग्जांपल से। हो सकता है बेटे तीसरा बच्चा हो, वो क्या हुआ घर से निकला केवल वो फ्रेंड के घर गया, उसको क्या किया साथ में लिया, ठीक है, उसके बाद सीधा कोचिंग चला गया। तो यानी बेटे होम से कोचिंग जाने के लिए इनफाइनाइट नंबर आप पा सकते हैं,
चाहे जितना टहल के आप जाएं, होम से कोचिंग जाने के लिए आपके लिए इनफाइनाइट नंबर आप पा सकते हैं, ए वाला भी पास हो सकता है, होम से कोचिंग जाने के लिए बेटे ए वाला पास हो सकता है, ए वाला पास हो सकता है आपका, यानी बेटे नंबरिंग कर दे इसको 1, इसको 2, इसको 3, ऐसे बेटे इनफाइनाइट नंबर आप पा सकते हैं। क्या आपके घर से कहां जाने के लिए कोचिंग के लिए इनफाइनाइट नंबर आप पा सकते हैं, ये तो बेटे आपके 3 पाथ हैं, ऐसे हो सकता है यहां से घूमते घामते आप कोचिंग जाए। तो बेटे इन सब का क्या फंडामेंटल मतलब समझिए क्या है, यानी बेटे डिस्टेंस क्या होगा जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, यानी आप मजे लेते हुए अगर इस पाथ को बेटे जा रहे हैं, यानी कहां से आइसक्रीम शॉप से पार्क से होते हुए प्रिंपल फ्रेंड फिर कोचिंग, अगर बेटे आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेटे डिस्टेंस क्या होगा, पाथ लेंथ, यानी आप पाथ लेंथ तय करते जाओ, ए ए ए ए जितना भी मान लो सपोज करो बेटे 2 मीटर होगा आपका, ए यहां से यहां 3 मीटर होगा, ए मान लीजिए 4 मीटर होगा बेटे, ए 6 मीटर होगा और ए 7 मीटर, जो भी हो तो सारा पाथ लेंथ बच्चों आपको ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस क्या होता है बेटे, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ यानी जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं उसके टोटल लेंथ को आप ऐड कर लें, वही आपके लिए हो जाएगा डिस्टेंस। यानी बेटा अगर पहले पाथ से आप गए होंगे, एक बार में बच्चों एक ही पाथ फॉलो करेंगे, ऐसे था नहीं सुपरमैन है आप कि पहले पाथ से चले गए दूसरे से तीसरे, यानी तीन तीन इमेज आपकी बनी पड़ी है, आप बिल्कुल सुपरमैन है और तीन तीन इमेज आपकी बनी पड़ी है, यानी आप पहले पाथ को फॉलो कर ले रहे हैं, सेकेंड पाथ को फॉलो कर ले रहे हैं और थर्ड पाथ को फॉलो कर ले रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक टाइम पे बच्चों आप एक ही जगह रह सकते हैं, या बेटे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे या आप इस पाथ को फॉलो करेंगे या आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, वो तो तीन बच्चे जा रहे हैं तो अलग अलग पाथ वो अलग हो गया, लेकिन एक टाइम में अगर आपको जाना हो बेटे तो एक ही पाथ को आप फॉलो करेंगे, तो डिस्टेंस आपका होगा बेटे टोटल पाथ लेंथ, यानी जिस पाथ को आप फॉलो करें, पहले को फॉलो करेंगे तो क्या ए वाला लेंथ आप ऐड करते जाइए तो आपका एक पाथ लेंथ क्या कहलाएगा बेटा, डिस्टेंस, यानी आप ऐड करिएगा 3 2 5 4 5 4 9 9 6 कितना हो जाएगा 15 15 7 कितने हो जाएंगे बेटे 22 15 7 22 हो जाएगा, यानी बेटे पाथ लेंथ कितना हो गया फर्स्ट रूट का 22 हो गया, यही आपका क्या हो गया बेटे हो गया, यही आपका डिस्टेंस हो गया, यानी पहले पाथ से कोई जाता है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं क्या हो गया आपका, हो जाएगा आपका 3 2 5 5 9 15 और 7 22 बेटे हो जाएगा 22 मीटर क्या हो जाएगा बेटे पाथ लेंथ आपका हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं डिस्टेंस। बेटे अगर आप सेकेंड पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इसको सपोज करो बेटे ये डिस्टेंस आपका है 12 मीटर, तो यही आपका बेटे क्या हो जाएगा पाथ लेंथ हो जाएगा, ठीक है। गलती से बेटे आप थर्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो यानी बेटे कितना होगा 6 मीटर, सपोज करो ये है ए बेटे आपका 10 मीटर है तो टोटल कितना हो जाएगा ए डिस्टेंस यहां से यहां तक 10 यहां से यहां तक 6 यही टोटल कितना हो जाएगा पाथ लेंथ बेटे, टोटल पाथ लेंथ ध्यान दीजिएगा टोटल पाथ लेंथ आपका आ गया 10 प्लस 6 16 मीटर आ गया बेटे। तो जरा बेटे तीनों पाथ को आप ध्यान से देखिए तो डिस्टेंस क्या होगा जिस पाथ को आप फॉलो करें, पहले को अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए डिस्टेंस से हो जाएगा, सेकेंड के लिए फॉलो करेंगे बच्चों डिस्टेंस से हो जाएगा, थर्ड के लिए फॉलो करेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 मीटर, यानी पाथ लेंथ ही आपका क्या हो जाएगा बेटे डिस्टेंस हो जाएगा। एक टाइम में बेटे आप एक ही पाथ फॉलो करेंगे, सुपरमैन नहीं है तीनों पाथ पे आप जा सके, एक बार में एक ही पाथ फॉलो करेंगे चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, तो जिस पाथ को फॉलो करेंगे उसका पाथ लेंथ हो गया डिस्टेंस। अब बेटे रही डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्प्लेसमेंट बेटा ध्यान दीजिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा, जहां से बेटा आपने मोशन स्टार्ट किया यानी होम से मोशन आपने स्टार्ट किया, कहां जा रहे बेटे कोचिंग, जिस पॉइंट से बच्चों स्टार्ट किया जिस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो क्या होता है डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एनी पार्टिकल या एनी बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन विल बी ज्वाइन, क्या करेंगे बेटे डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड फाइनल पॉइंट, यानी बेटे शॉर्टेस्ट पाथ, यानी बेटे ए से यानी होम से कोचिंग जा रहे हैं इसमें ढूंढिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, अगर बेटे दो पॉइंट ले लें स्पेस में कहीं भी ले लें दो पॉइंट, ध्यान दीजिएगा दो पॉइंट में बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा जब उसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दे, यानी बेटे वो पाथ जब उसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दे वही तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा,
उससे शॉर्टेस्ट पाथ तो पॉसिबल है ही नहीं। देखिएगा जैसे यहां ही बेटे देखिएगा होम से कोचिंग, तो बेटे यही स्ट्रेट लाइन से जो आपने इसको ऐड कर दिया है लाइन, यानी 12 मीटर जो बच्चों है ध्यान दीजिएगा, यही तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी दो पॉइंट के बीच बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ होता है क्या? अगर उस पॉइंट को एफ जोड़ दें आप स्ट्रेट लाइन से, वही क्या होता बेटा आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेटे आपका 12 मीटर जो पाथ लेंथ है ये सब शॉर्टेस्ट है। क्या कब शॉर्टेस्ट पाथ होगा बच्चों? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे। और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एनी पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से उसने मोशन बेटे स्टार्ट किया और जहां उसने क्या किया बेटे फाइनल पहुंच गया, वही क्या होता है बेटे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कौन वाली लाइन, कौन सी लाइन हो जाएगी, कौन सा पाथ हो जाएगा बेटे? सेकेंड पाथ आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पाथ बेटे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? सेकेंड पाथ। और बेटे किसी दो पॉइंट के बीच, यानी मोशन बेटे अगर होम से कोचिंग कर रहे हैं उसके बीच डिस्प्लेसमेंट फिक्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटे शॉर्टेस्ट पाथ हो हर समय क्या होगा, यही होगा। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो बेटे, यही डिस्टेंस मेजर कर लो, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये बेटे फिक्स रहने वाला है किस कहीं भी। अगर ऐसे होम से कोचिंग जाना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी होम से कोचिंग को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो वही पाथ लेंथ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, बट डिस्टेंस बच्चों अलग अलग होगा। क्यों? अगर बेटे आप पहले पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा डिस्टेंस, मान लीजिए पहले पाथ से बेटे आप जा रहे हैं तो आपके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी 22 मीटर। बेटे सेकेंड पाथ से जा रहे हैं, एक बार में एक ही पाथ फॉलो करेंगे, ऐसी गलती मत करिएगा, इसको इसको तीनों को फॉलो कर लेंगे, सुपरमैन आप कोई नहीं है। तो एक बार बेटे आप एक पाथ फॉलो करेंगे, एक पाथ फॉलो करेंगे तो आपके लिए डिस्टेंस बेटा यही हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तब भी कितना रहेगा बेटा, होम से कोचिंग वाली स्ट्रेट लाइन यानी 12 मीटर। अगर बेटे आप सेकेंड पाथ को फॉलो कर ले रहे हैं तो ऐसा हो गया बेटे यहां पर डिस्टेंस भी यही हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपका बेटा यही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। डिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है कि ये होम से कोचिंग घूमते घामते जा रहे हैं कि सीधे सीधे जा रहे हैं। ठीक है, अगर सीधे सीधे गए तो क्या हुआ आपका, यानी इसी स्ट्रेट लाइन को आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए बेटा यही पाथ लेंथ यानी यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन बेटा अगर होम से कोचिंग जाने के लिए आपने इस थर्ड पाथ को फॉलो कर लिया तो आपके लिए बेटा डिस्टेंस क्या होने वाला है, 16 मीटर, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ बेटा कितना है 16 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अब भी क्या होगा बेटे होम से कोचिंग, यही होगा डिस्प्लेसमेंट, तो हर टाइम कांस्टेंट होने वाला है, आप कोई पाथ फॉलो कर ले, इससे जा रहे हैं आपके लिए डिस्टेंस अलग हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा बेटे, स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ दीजिए वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शायद बेटे आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या है, अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करेगी किस पाथ से जा रहे हैं आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों कांस्टेंट होता है किसी दो पॉइंट के बीच, यानी इनिशियल और फाइनल कहीं जैसे होम से कोचिंग के बीच का बेटे डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और होगा क्या बेटे, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रिपल, यानी जब होम और कोचिंग को आप स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे वही पाथ में तो आपका क्या होगा बेटे, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट बेटे कांस्टेंट होता है। और सारे पाथ को बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको मिलेगा डिस्टेंस सच में बेटे ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। इसमें देखिएगा अगर डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रहा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट आपका बेटा सेकंड वाली लाइन होगा, मैंने लिख दिया है। क्यों होगा? डिफिनेशन आपको आगे लिखी है, आपको पास चल जाएगा बेटे। तो यानी ये सेकंड वाला पास जो अपना है बेटे ये सबसे छोटा पाथ लेंथ है, इससे छोटा पाथ लेंथ पॉसिबल नहीं है। अगर बेटे इन सारे पाथ को ऑब्जर्व करें या इसके अलावा भी कोई पाथ आप आगे पीछे करके कोई भी ले लें, सब में बेटा पाथ लेंथ ज्यादा मिलने वाली है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और बेटे एक केस होगा जब आप डिस्प्लेसमेंट वाले रूट को क्या कर रहे हैं, फॉलो करने लगेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यही पाथ लेंथ यानी यही डिस्टेंस हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बेटा एक केस केवल होगा जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन करें कहां, होम से कोचिंग, तब आपके लिए बेटे डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाकी सारा केस कोई केस ले ले बेटे, एक घूम घाम के जाने वाला, एक घूम घाम के जाने वाला, और कोई पाथ ले ले यहां जाने के लिए, और कोई पाथ ले ले यहां जाने के लिए, सारे पाथ में बच्चों डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा किससे, आपको डिस्प्लेसमेंट से। चलिए बेटे एक जरा एग्जांपल और देखते हैं, ए बी गिवन है ऐसे सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस बेटे नहीं है।
शायद आप समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जरा बेटे ए से बी जाने के लिए कौन कितने रूट हैं बेटे, 1, 2, 3। मान लीजिए आप अगर पहला रूट बेटे फॉलो करेंगे फर्स्ट रूट, तो आपके लिए डिस्टेंस कितना बेटे है आपका पाथ लेंथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा बेटे कितना है ध्यान से देखिएगा 10 किलोमीटर है। यानी बेटे यहां पर पहले पाथ को बेटे फॉलो करेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बेटे आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा। बेटे सेकेंड पाथ को फॉलो करेंगे, अगर एक टाइम में बच्चों एक पाथ फॉलो करेंगे इस बात ध्यान रखिएगा, अगर जब बेटे फर्स्ट पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस 10 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट बच्चों अगर यहां लिखना चाहे तो क्या होगा आपका ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है बेटे ध्यान दीजिएगा जरा। डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से क्या करें बच्चों स्ट्रेट लाइन से मिला दे, ये देखिएगा डॉट डॉट करके मिला दिए मैंने, ये देखिएगा मिला दिए मैंने, तो यही पाथ लेंथ बेटा 5 किलोमीटर। यानी बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर ए से बी जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो बेटे आपका होगा 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा ए को बी से स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ दें डायरेक्शन टुवर्ड फाइनल पॉइंट यानी बी होगा, और बेटे ए लेंथ आपका होगा डिस्प्लेसमेंट यानी कितना 5 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा आपने सेकेंड पाथ को फॉलो कर लिया तो इसके लिए बेटा डिस्टेंस लिखिएगा कितना है 7 किलोमीटर है, क्यों क्योंकि बेटे सेकेंड पाथ का पाथ लेंथ कितना है 7 किलोमीटर आपका है, यानी बेटे डिस्टेंस कितना है आपका ध्यान दीजिएगा यहां पे 7 किलोमीटर है। और बेटे अगर आप सेकेंड पाथ को फॉलो कर रहे हैं यानी ऐसे घूम घाम के यहां जा रहे हैं बी पे, फिर भी बेटे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप सेकेंड पाथ को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम भी बच्चों क्या होगा आप डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो तो यही बेटा आपका होगा 5 किलोमीटर। यानी सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटे आपका ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट आपका बेटे होगा 5 किलोमीटर होगा। चलिए बेटे अगर थर्ड केस को ध्यान से ऑब्जर्व करें यानी आप अगर तीसरे रास्ते से जा रहे हो तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा बेटे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा आप, डिस्टेंस क्या होगा बेटे पाथ लेंथ बेटा फर्स्ट पाथ के लिए है इट विल बी सेकेंड पाथ, ये बेटा किसके लिए होगा आपके थर्ड पाथ के लिए, तो डिस्टेंस बेटा कितना आपका रहने वाला थर्ड पाथ के लिए 5 किलोमीटर, और बेटे डिस्प्लेसमेंट थर्ड पाथ के लिए क्या होगा 5 किलोमीटर, दोनों सेम होने वाले हैं। क्यों आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि पाथ लेंथ भी सेम है, सेम ही लाइन की बेटे आप इसी की डिस्टेंस देख रहे हैं इसी की डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, तो शायद आपका समझ में आ गया होगा बेटे एक बार में एक पाथ फॉलो करेंगे यानी अगर पहले को फॉलो कर रहे हैं तो आपका पाथ लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सेकेंड वाला बेटे पाथ फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल जोड़ दीजिए यानी 5 किलोमीटर ही आएगा, बट थर्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस और यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आने वाला। ठीक है तो शायद आप समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंशियल बेटे आगे गिवन है उसको आप पढ़िएगा डिफरेंशियल क्या होता है। आइए बच्चों क्या है अब बेटे क्या आपको देखना है डिफिनेशन क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेटे, ये आपका राइट डाउन है आप प्रॉपर पढ़िएगा जो चीज मैंने समझाया वही है, यानी किसी पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं बच्चे उसको टोटल पाथ लेंथ क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आप मिला दें और क्या करें स्ट्रेट लाइन से मिला दे वही पाथ लेंथ बेटा आपको कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए डायरेक्शन बेटे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ध्यान दीजिएगा जरा पॉइंट को, डायरेक्शन आपके लिए बेटे यहां पे इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्शन क्या होता बेटे इनिशियल पोजीशन यानी सपोज करो बेटे नहीं इनिशियल पोजीशन बेटे ये है ध्यान दीजिएगा आपका बेटे आपका ये इनिशियल पोजिशन है अब बेटे आपका क्या है फाइनल पोजिशन है वाला, तो बेटे क्या करिए आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जब आप मिला देंगे ध्यान दीजिए स्ट्रेट लाइन से तो डायरेक्शन टुवर्ड फाइनल पॉइंट ये तो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन कहां होगा बेटे फाइनल पॉइंट के अलोंग, यानी फाइनल पॉइंट कहां है बेटे यहां तो इधर एरो आप बनाएंगे ही आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बेटे कैसे ऐसे ये क्या है बेटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है यहां मैं लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है यानी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है बच्चों इसमें। अगर आप ले बेटे डिस्टेंस को तो डिस्टेंस आपका क्या है बेटे स्केलर क्वांटिटी
स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है बेटे जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट ना हो बेटे डायरेक्शन का, और जिसको बेटे रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड हो केवल मैग्नीट्यूड का, वही बेटे क्या कहलाता है स्केलर, यानी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बेटे बिल्कुल नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए। एग्जाम्पल के लिए बेटे आपका मास है 5 kg, तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि 5 kg का मास इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसे ही क्वांटिटी बेटे क्या कहलाएंगे स्केलर। वेक्टर में बेटा क्या होता है जिसमें आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़े, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटे, एग्जाम्पल के लिए फोर्स होता है, तो फोर्स अगर 5 newton किसी ने बोला है तो प्रॉपर बोलता है 5 newton का फोर्स इस डायरेक्शन, यानी वहां पर आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी। इसलिए क्या हो गया वेक्टर, वैसे बेटे डिस्प्लेसमेंट में भी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी आपको, डायरेक्शन की, इसलिए होगा बेटा आपका वेक्टर। आइए बेटे डिफरेंस देखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, किसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेटे ध्यान से देखते हैं। सपोज करो बेटे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है बेटे, ये आपका बेटे क्या है एक्स एक्सिस है और बेटे क्या है वाई एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा बेटे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, चीज समझाने से कोशिश कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देखिएगा अगर बेटे इसको ओरिजिन आप 0 0 ले लें, कंसिडर कर लें, अगर बेटे कोई पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट किया, सपोज करो यहां से गया यहां, फिर बेटे लाउड किसी पॉइंट पे आ गए, यानी इस ओरिजिन से ही मोशन करना स्टार्ट किया, थोड़ा ऊपर दिखा रहे हैं ताकि लाइन जो है दोनों कोइंसाइड ना कर जाए, यानी इस ओरिजिन से बच्चों मोशन करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को बेटा हमने ए से मेंशन कर दिया, कहां गया बेटे इस पॉइंट बी पर, यहां देखिएगा, और बेटे बी से फिर कहां आया ए पर, लौट के फिर कहां से आया बेटे जहां से गया था, यानी ए पर आ गया फिर से लौट के, ये बेटे ऐसे मोशन कर रहा है यहां से यहां गया यहां से यहां गया, तीनों लाइनें आपस में कोइंसाइड ना करे बच्चों, इसलिए मैंने ऊपर बना दिया नीचे बना। अब बेटे कहीं पॉइंट यहां सी पर आ रहा, यानी ए और मोशन करते हुए कहां कहीं यहां पे आ रहा, अगर बेटे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इधर क्या होता बेटे पॉजिटिव होता है, और यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट बेटे होता है निगेटिव, इधर ध्यान दीजिएगा निगेटिव एक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, डिस्टेंस क्या होगा, यहां थोड़ा निकालते हैं उससे कुछ चीजें क्लियर होंगी। आइए देखते हैं बेटे, अगर इस पाथ लेंथ को आप 5 meter सपोज करें, यानी ए से बी का डिस्टेंस बच्चों 5 meter है, पाथ लेंथ 5 है, सॉरी ए से बी का पाथ लेंथ 5 है, और तो बी से ए का भी पाथ लेंथ 5 होगा बेटे, दोनों सेम ही तो है। और बेटे ए से पॉइंट सी का ए पाथ लेंथ बेटा आपका हो 2 meter हो, ठीक है, तो अगर बेटा पूछा जाए ए से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा आपको पता है, टोटल पाथ लेंथ को आप ऐड कर लीजिए, डिस्टेंस क्या होगा बेटे आपका टोटल पाथ लेंथ क्या होगा ए से बी बेटे बी से ए प्लस ए से सी, यानी हो जाएगा ए से बी पहले आप गए फिर बेटे बी से आप ए आए, ध्यान दीजिएगा, प्लस बेटे कहां से कहां गए आप, ए से सी पॉइंट पर गए बेटे, पॉइंट सी है जहां फाइनल आप पहुंच रहे हैं, आपके लिए इनिशियल पॉइंट बेटे ए है, इनिशियल पॉइंट बेटे ए है आपका, फाइनल पॉइंट बेटे ए है आपका, ठीक है, चलिए इनिशियल पॉइंट ए है फाइनल पॉइंट ए है, डिस्टेंस बेटा कहेंगे तो ए से बी, बी से ए प्लस फिर ए से सी बेटे, ए क्या हो जाएगा आपका टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा आपका, जरा ऐड करिएगा कितना हो जाएगा 5 + 5 + 2 यानी 12 meter, यानी डिस्टेंस बेटा आपका कितना आ गया 12 meter आ गया। जरा बेटे आप ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ आपको ऐड करना था, कोई दिक्कत नहीं, बेटे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है जो तुम्हें ध्यान देना है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को बेटे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्प्लेसमेंट, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे डिस्प्लेसमेंट में छुपा है, डिस्टेंस में तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे था नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे, ए से लेकर सी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजिशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा,
यानी इस वैल्यू में इस वैल्यू को आप घटा दें, किस वैल्यू बेटे, अगर इसको अगर एक्स एक्सिस पे अगर रिप्रेजेंट करे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, जीरो से कितना है माइनस टू, यानी इस कोऑर्डिनेट को टू कॉमा जीरो लिख सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट बेटे क्या है, जीरो और जीरो का है, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू यहां जीरो, तो बेटे यहां एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू है, तो बेटे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, ध्यान दीजिएगा बेटे, फाइनल पोजिशन माइनस ये पोजीशन बेटे पीओ डॉट मैंने लिख दिया है, इसका मतलब कुछ नहीं बेटे पोजीशन है आपका, माइनस बेटे इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब बेटे यहां जरा ध्यान दीजिएगा, फाइनल पोजीशन क्या है बेटे माइनस टू, यहां बेटे एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू, यहां बेटे एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करेंगे तो माइनस टू माइनस जीरो बेटे लिखना पड़ेगा, यहां पर माइनस टू माइनस जीरो कितना आ गया बेटे माइनस टू मीटर आ गया। तो यहां बेटे ध्यान देना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव एक्सिस है तो वैसे भी आपको दिख रहा है माइनस टू आया, तो समझ पा रहे हैं बात कि नहीं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, क्यों, डायरेक्शन की इसमें बात होती है, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, समझ पा रहे हो बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। और बेटे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर ए मोशन ए से बी हो और बेटा बी से केवल ए तक होता, यानी जहां से चला वहीं पे आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता, ध्यान दीजिएगा, ए पे चला बेटे बी गया, बी से चला फिर ए पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी बेटे हो सकता है, कैसे सर, जहां से चला वहीं पे आ गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो आपने देख ही लिया था बेटे पहले एग्जाम्पल में, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव जीरो, यही डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है बेटे, ध्यान रखिएगा, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा फ्रीडम कोई नहीं है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होने वाला है पॉजिटिव, यही टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कभी घटने वाली नहीं बेटे, बढ़ेगी है इसमें, डिस्टेंस इसमें बढ़ती है, घटने वाली नहीं है। आपको पहले एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, होम से कोचिंग, टहलते घूमते कहीं जा रहे हैं मगन होकर के, आप खुशी खुशी टहल ही रहे हैं फिर कोचिंग पहुंच रहे हैं, तो डिस्टेंस आपका बढ़ ही रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बेटे, यहां आपको यहां पर नया चीज आपने देखा, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चलिए बेटे डिफरेंस देखते हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके लिए काफी पॉइंट है डिफरेंस, जरा देखिएगा ध्यान से, डिफरेंस बेटा क्या है आपका, डिस्टेंस आप क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, जरा तेजी से देखिएगा, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई द गिवन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, क्या बेटा एक्चुअल पाथ लेंथ होता है कि नहीं, हाँ एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ बच्चों जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए बेटे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब आप आइसक्रीम खाते हुए गर्लफ्रेंड से मिलते हुए टेम्पल होते हुए आप गए थे, तो कितना लंबा पाथ आपने फॉलो किया था, वही तो आपके लिए डिस्टेंस हुआ था, यानी बेटा एक्चुअल पाथ जो आप फॉलो करते हैं वही क्या होता है आपका एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम, वही आपको क्या होता है बेटा डिस्टेंस होता है, बिल्कुल सही, तो हमने जोड़ के ले आया था 22 के आसपास आ रहा था, इमेजिन करिए उस एग्जांपल को बेटे, तो आपका डिस्टेंस वही हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बेटे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन इज कॉल्ड ए गिवन टाइम में, बच्चों क्या हो, शॉर्टेस्ट पाथ यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दें, वही दो पॉइंट के बीच बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही लेंथ क्या कहलाएगा बेटा पाथ लेंथ आपका, वही डिस्टेंस कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटे देखिएगा, वेक्टर क्या होता है, स्केलर, मैंने चीज बता दिया था, क्वांटिटी एक वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर पॉइंट बेटे हो गया। थर्ड पॉइंट आप देखिएगा जरा ध्यान से, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज नेवर निगेटिव आर जीरो बट इट ऑलवेज पॉजिटिव, बेटा मैंने आपको समझा दिया कि पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं आने वाला है, कभी निगेटिव नहीं आने वाला है, कभी क्या है हर समय पॉजिटिव आने वाला है डिस्टेंस में। जरा ध्यान से एग्जांपल को आप पीछे वाले को जस्ट देखिएगा बेटा, जहां डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो हो रहा है, यानी ए से चले और फिर ए पे आ जाए, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा जीरो, ए से चले ए पे चला आए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला, ए से बेटे हम कहां गए बी पे गए, ध्यान दीजिएगा, फिर लौट के यहीं पर चले आए, यानी यहां पर, तो यहां बेटे क्या हो जा रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है बेटे इस केस में आपका,
बटे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बटे नहीं जीरो होगा। क्यों सर डिस्टेंस नहीं जीरो होगा? डिस्टेंस बटे टोटल पाथ लेंथ होता है, यानी ये 5 मीटर और बटे ए भी 5 मीटर होगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए, ए क्या हो जाएगा बेटा आपका डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता बेटा इनिशियल पोजिशन। ए बेटे आपकी क्या हो जाएगी इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजीशन, और बेटा सेकेंड वाला क्या हो जाएगा आपका ए फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वही बेटा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल पोजीशन भी है ये, फाइनल भी है ये, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। बट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, टोटल पाथ लेंथ जो कितनी निकल के आएगी बेटा आपकी 10 निकल के आएगी। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। तो आप जरा इस डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है बेटे। तो ये समझ में आ गया आपको, क्यों पॉजिटिव ऑलवेज होगा निगेटिव जीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, मैंने समझा दिया बेटे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटे, द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, नेवर लेस दैन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये बेटे आपको मैंने बताया था तीनों पाथ लिया था, तो बोला एक ही पाथ है जब बराबर होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बाकी हर केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। वही बात बेटे लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम कैन बी इक्वल टू आर लेस देन द डिस्टेंस। यानी आपको बिल्कुल सही बेटे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वही बात है लिखा है, कह रहा है बेटे एक ही केस है जब बराबर होगा डिस्टेंस के, बाकी हर केस में डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। आप इमेजिन करिए उस एग्जांपल को, तीन मैंने केस लिया बच्चों, एक ही केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, बाकी हर केस में ससुरा क्या आ रहा था, डिस्टेंस ज्यादा रहा था डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा था। ये चीज आपका क्लियर होगा बेटे। फिफ्थ आप जरा देखिएगा, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या था बेटे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशन कैन हैव मेनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलो। सिंपल से बात है बेटे, अलग अलग पाथ आपको जब मैंने फॉलो कराया था वहां पे, तो अलग अलग डिस्टेंस आपका आया था। बट डिस्प्लेसमेंट बच्चों उन्हीं दो पॉइंट के लिए, यानी होम से कोचिंग जाने के लिए आपका एक ही आया था, वो क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या करें बच्चों, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे। तो यानी फिफ्थ वाला बच्चों आपको क्लियर हो गया। जरा बेटे सिक्स वाला पॉइंट आप देखिएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशन टेस्ट द टाइप ऑफ पाथ फॉलो। यानी बेटा डिस्टेंस क्या होता है, किस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, वही तो आपका डिस्टेंस होता है, एक्चुअल पाथ को बेटा बताता है क्या डिस्टेंस। जरा आप इमेजिन करिए, वही जो आपको मैंने एग्जांपल लेके तीन पाथ बताए थे बच्चों होम से कोचिंग वाले, तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ को बता रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या था, इनिशियल फाइनल को आप जोड़ देंगे तो वही क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, वो एक्चुअल पाथ को नहीं बता रहा था। तो शायद आपको समझ में आ गया डिफरेंस बेटे, एग्जाम पॉइंट बेटे से काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िएगा। जरा बेटा एक क्वेश्चन करिएगा, तड़कता भड़कता क्या कह रहा है, ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दीजिएगा इसका, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आप जानते ही हैं, घर में बैठिए और डिवाइड कर दीजिए, भैया ये हमसे नॉर्थ हो गया, ए मेरे साउथ में रखा है, ए मेरे ईस्ट में रखा है, ए मेरे वेस्ट में रखा है, ऐसा जोन वाइज आप घर को डिवाइड कर देते हैं कभी कभी। कैसे डिवाइड करते हैं देखिएगा, कभी कभी कहते हैं ना हमारे नॉर्थ में रखा है बुक रखी है, या हमारे साउथ में रखा है ऐसा। तो यहां भी बच्चों नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को जरा डिवाइड करिएगा आप, आइए डिवाइड करते हैं बेटे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखिए बेटे क्या हो गया आपका, ए आपका हो गया बेटे ऊपर वाली क्या होती डायरेक्शन नॉर्थ होती है जैसे आपको पता है, ए बेटे क्या होता है आपके साउथ होता है, ए होता है आपके लिए ईस्ट, ए होता है आपके लिए वेस्ट, ये तो आपको पता ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है बेटे, क्वेश्चन पढ़िए, मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, बेटे 10 मीटर नॉर्थ जाता है, यानी सपोज करो आप सुबह सुबह उठे, यहां पर ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0, इसके आगे नॉर्थ था और नॉर्थ में क्या था बेटे आपका नॉर्थ, आप गए कितना, यहां आपके गर्लफ्रेंड के, गर्लफ्रेंड का घर समझ लीजिए, आपका गर्लफ्रेंड का बेटे घर है, तो नॉर्थ में आप गर्लफ्रेंड की तरफ कितनी जा रहे हैं बच्चों, 10 मीटर जा रहे हैं, यानी यहां से यहां। फिर बेटे आप किधर जा रहे हैं, ईस्ट में, ईस्ट में आपके किसके अंकल का घर है, सपोज करो बेटे आपका अंकल घर यहां कहीं है, तो ईस्ट में कितना आपको चलना पड़ रहा है, 20 मीटर बेटे चलना पड़ रहा है, यानी अंकल घर जाने के लिए कितना जाना पड़ रहा है, 20 मीटर।
गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए किधर जाना पड़ा बेटे, नॉर्थ में आए इस पोजीशन पे, तो आप 10 मीटर चले सुबह सुबह, सपोज करो ऐसा। ईस्ट में बच्चों आपने कितना गया, अंकल के घर जाना था तो कितना गया, 20 मीटर गए जो ईस्ट में है। तो बेटे अगर आपको निकालना है क्या डिस्प्लेसमेंट कह रहा है बेटे निकालने के लिए, तो इनिशियल पोजीशन बेटे आपका ये ओरिजिन था और फाइनल क्या था बेटे अंकल का घर आपके, यानी आपको फाइनल पोजीशन हो गया, ध्यान दीजिए। और डिस्प्लेसमेंट इतनी देर से मैंने क्या समझाया बेटे, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है भैया, कुछ मत करो आप, इनिशियल पोजीशन यानी जहां से आप चले, जितना घूमते घामते जहां आप पहुंचे उसको दोनों की स्ट्रेट लाइन सीधा आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिया बच्चों, हो लीजिए स्ट्रेट लाइन जोड़ दिया, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, यही आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन बेटा होगा बेटा टुवर्ड फाइनल पॉइंट इधर। तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालने के लिए क्या करेंगे जरा देखिएगा इसमें फिगर में, तो बेटे आपका राइट एंगल हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए। अगर इसको आपने हाइट ले लिया, इसको बेस ले लिया, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटे, अगर इसको आपने वो माना है, इसको आप सपोज करिए पॉइंट ए है, तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप बी बेटे, तो राइट हैंड ट्रायंगल वाला थ्योरम लगा दीजिए वहां पे। पाइथागोरस क्या बोलता है, ओ ए स्क्वायर, लगाइएगा ध्यान से, ओ ए स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा आपका, ओ बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर की वैल्यू बेटे निकालना है, ओ बी कितना है आपका, ओ बी यहां से बेटे आपको कितना दिख रहा है, ओ बी आपको दिख रहा है 10 मीटर यानी 10 का स्क्वायर, प्लस ए बी बेटे कितना है आपका, ए बी आपका 20 है बेटे, 20 का स्क्वायर करिएगा, यहां पे कितना हो जाएगा बेटे आपका 100, आपका हो जाएगा 400, एड करिएगा बेटे हो जाएगा 500, यानी बेटे ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ ए की वैल्यू बेटे निकालेंगे तो रूट आप 500। अब 500 के बेटे रूट निकालेंगे तो आपका मिलेगा 10√5, क्या बेटे 10√5 आएगा, रूट फाइव की वैल्यू बेटे क्या होगी, रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.236 होती है, यानी बेटे इस वैल्यू को रखोगे 10 × 2.236, निकालेंगे रूट फाइव की वैल्यू बेटे तो यही आएगी 2.236 बेटे, इसको सिंप्लीफाई आप करिएगा तो आ जाएगा आपका 22.36 कितना बेटे मीटर, कितना आ गया बेटे 22.36 मीटर, फाइनल आंसर बेटे लिख दे रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 22.36 मीटर बेटे आ गया। चलिए कौन सा ऑप्शन बेटे आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो कैसे बेटे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करते बेटे, ओ से ए का डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करते, 10 + 20 यानी डिस्टेंस बेटे कितना हो जाता 30 हो जाता आपका। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों आपको समझा दिए, चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया हो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं। अगला टॉपिक बेटे क्या है अपना, यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए बेटे देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और क्या होता है बेटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों चीजों क्या करते हैं बेटे डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटे यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जरा देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए बेटे, जरा देखिए बेटे आपकी कार है, ध्यान से देखिए कार बेटे कैसे ट्रेवल कर रही है, देखिए बेटे स्ट्रेट लाइन में ऐसे यहां से यहां जा रही बेटे, कार अगर यहां से यहां जा रही है अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो कार क्या कर रही है बेटे आपका 10 मीटर पाथ लेंथ कवर कर रहे कितना 1 सेकंड, अगला बेटा पाथ लेंथ 10 मीटर कितने सेकंड में 1 सेकंड में, फिर अगला पाथ लेंथ बेटे 10 मीटर कितना 1 सेकंड में। ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात यह है बेटे कि हर टाइम इंटरवल यानी 1 सेकंड के लिए अगर चल रही हो तो हर बेटा 1 सेकंड में कितना पाथ लेंथ कवर कर रही 10 मीटर। जरा इस बेटे ए से अगर इसको नेमिंग कर दे बेटे ए से बी, बी से सी, सी से बेटे डी, नेमिंग हमने कर दिया, यानी हर सेकंड में बच्चों कितना चल रही है इक्वल डिस्टेंस चल रही है। यानी आप सपोज करो बेटे बाइक से घर से निकले हैं और क्या करें बेटे बाइक को एक ही स्पीड से आगे लेके जाए, यानी रोड पूरा बेटे खाली है, आपने एक्सीलरेटर जो भी दिया उस पर कॉन्स्टेंट रखा उसी स्पीड से आप निकलते चले जाए, यानी बेटा ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे ऐसा कुछ, तो आपकी स्पीड कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो
तभी तो ऐसा पॉसिबल है। आप बेसिक दिमाग लगाइए बेटे, बेसिक कंसेप्ट आप सोचिए कि अगर तभी बेटे पॉसिबल है, अगर पैदल ही आप चल रहे हैं तो एक ही स्पीड से चले, तभी आप इक्वल टाइम में इक्वल क्या करेंगे, पाथ लेंथ कवर करेंगे। वही बेटे एक कार कर रही है, सिंपल सा बात है, यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट होने वाली। जनरल मीनिंग से समझ में आ रहा, जनरल बात यही समझ में आ रही बेटे। इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल पाथ लेंथ कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इसको आप बोल सकते हैं, एक सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में 10 मीटर बेटे, अगले सेकंड में 10 मीटर, यानी जब कोई बेटे ऑब्जेक्ट यानी एक कार आपकी हो गई इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल टाइम में बेटे इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो वैसे मोशन क्या बोलते बेटे, यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन क्या बेटा बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। आपका एक डिफिनेशन दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवर इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आपका डिफिनेशन लिखा है, मीनिंग बच्चों आपको समझ में आ गया इस कार के मोशन को देखने के बाद, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है। अगर बेटे यहां पर निकालना चाहे हम स्पीड इस कार की, तो स्पीड में बेटे आपने पढ़ रखा होगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बेटा 10 है, टाइम 1 है, यानी कितना आ जाएगा 10/1, इसको बेटे कितना लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। जरा बेसिक चीज आप समझिए बेटे, अगर बी से सी जाना हो तो क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड यहां पर लिखेंगे अगर, तो स्पीड यहां भी बेटा कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। क्यों सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 10/1। बेटे सी से डी जाना हो तो यहां पे भी स्पीड क्या आ जाएगी बेटे, ध्यान दीजिएगा, आपका स्पीड आ जाएगी 10/1, यहां भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि बेटे स्पीड क्या होता है, जरा लिखिएगा यहां पर, स्पीड बेटा आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बेटे जब आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला निकाला तो आपको अब दिख रहा होगा बेटे, हर जोन में यानी हर टाइम के दौरान, यानी वन सेकंड के दौरान क्या बेटे आपको सेम मिला, स्पीड सेम मिला। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पैदल चले बेटे या साइकिल से चले या बाइक से चले, आपकी स्पीड थ्रो आउट अगर कांस्टेंट रहे तो ऐसा मोशन बेटे कहलाता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। आगे बेटे बेटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको आप समझते हैं क्या होता है, जरा देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटे, ध्यान से देखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे देखिएगा बेटे, ओ से ए बी सी, कोई कार कैसे जा रही है बेटे, ओ से ए जा रही है, फिर कहां जा रही है, ए से बी और बी से सी जा रही है। जरा ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है, ओ से ए जाने में कितना 2 सेकंड ले रहा है बेटे, फिर अगले 2 सेकंड में ए से बी जा रहा है बेटे, अगले 2 सेकंड में क्या कर रहा है बेटे, बी से सी जा रहा है। बट ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें बेटे, पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फाइनल माइनस करें यानी 1 मीटर के आसपास कवर कर रहा है, नहीं 1 मीटर कर रहा है आसपास, नहीं 1 ही मीटर कवर कर रहा है। सेकेंड बच्चों 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे 9 मीटर बेटे कवर कर रहा है। थर्ड बेटे 2 सेकंड में कितना कर रहा है, तो 25 में से बेटे 10 सबट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 मीटर कवर कर रहा है। यानी बेटे अलग अलग जोन में यानी टाइम तो सेम है, ओ से ए से बी और बी से सी बेटे, टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा, यानी इक्वल टाइम में क्या करे बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। इक्वल टाइम में बच्चे अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर करे, ध्यान दीजिए इक्वल टाइम तो है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है बेटे, तो ऐसे मोशन क्या कहेंगे बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे बेटे आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ऊपर लिखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी आपकी स्पीड बेटे ओ से ए तक लेके अलग, ए से बी अलग और बी से सी अलग। यानी ये मोशन को ऑब्जर्व करिए बेटे, ट्रैफिक में जा रहे हो साइकिल लेके या बाइक लेके या पैदल, जब आप ट्रैफिक में घुसेंगे क्या होगा, आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, बिल्कुल नहीं। कभी आप तेजी से जाएंगे तो कभी आप धीमे जाएंगे, जैसे डिपेंड करेगा रोड पे भीड़ भाड़ के ऊपर, रोड पे व्हीकल ज्यादा आ जाएंगी तो आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी, थोड़ी कम होंगी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी अलग अलग जोन में बेटे अलग अलग क्या करेंगे आप, स्पीड से मोशन करेंगे, आपकी स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहने वाली हो। अगर ऐसा बेटा मोशन हो तो आपका क्या कहलाएगा,
ऐसा मोशन बेटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब बेटे आगे क्या इसमें डिस्कस करना है, चीज समझते हैं। अभी तो हो गया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, डिस्कशन क्या करना बेटे। पहला पॉइंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ वेलोसिटी बेटे, स्पीड ऑफ वेलोसिटी आगे पढ़ना हम लोगों को। उसमें क्या क्या पढ़ना जरा आप समझिएगा। अगर बेटे अगर आपसे पूछा जाए, पहले वाले केस से पूछा जाए, जरा देखिएगा कि आप सर जी हमको बताइए कि स्पीड क्या होगी किसी टाइम पर 0.5 सेकंड पे, तो आप बता देंगे 10 मीटर पर सेकंड। यानी यहां कहीं अगर बच्चों आपसे स्पीड पूछ लिया इस टाइम पर, सपोज करो बेटे टाइम है आपका 1.5 सेकंड, पूछ लिया भैया 1.5 सेकंड पे स्पीड बताइए, तो आप बता देंगे 10 मीटर पर सेकंड। कहीं बच्चों स्पीड पूछेगा आप इसमें बता देंगे यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन जरा बेटे आप मेमोराइज करिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो आपसे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूछ लिया भैया कि आप ओ से सी जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, तो आप थोड़ी बता पाएंगे कौन सी स्पीड आप बताएंगे। पहले कैसे पूछ लिया बेटे इनिशियल से फाइनल किस स्पीड से जा रहे हैं, तो आप बता देंगे कितना 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन बेटे यहां से आपसे गलती से कोई पूछ लिया बेटे कि ओ से सी आप जा रहे हैं कार लेकर के वैगनार को अपने, तो ये बताइए सर जी कि ओ से सी जाने जाने के लिए किस स्पीड से आपको जा रहे हैं, यानी ओ से सी आप किस स्पीड से जा रहे हैं, तो आप कौन सी स्पीड बताएंगे, ए वाली स्पीड बताएंगे यानी ओ से ए जाने वाली, या ए से बी जाने वाली, या बी से सी जाने वाली। क्यों? क्योंकि हर स्पीड तो अलग अलग आएगी। जरा निकालिएगा यहां की स्पीड, स्पीड यहां आएगी बेटे कितना आपका स्पीड बेटे आपकी आ जाएगी, यहां पे ध्यान दीजिएगा पहले जोन में आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम मानी 1/2 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है कि नहीं बेटे, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं बेटे, इस जोन में आ जाएगी स्पीड आपकी, पहले वाले में 1/2 मीटर पर सेकेंड। बेटा आप सेकेंड ए से बी जाने में अगर स्पीड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां भी बेटे लगाइएगा जरा, डिस्टेंस कितना है 9, टाइम बेटे 2 है, तो 9/2 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। बेटे थर्ड सेगमेंट यानी बी से सी जाने में कितना आप स्पीड ले रहे हैं, जरा ये निकालिएगा क्या आ जाएगा बेटे आपका, 15/2 मीटर पर सेकेंड। यानी बेटे अलग अलग सेगमेंट में आपकी बेटे जो डिस्टेंस आई है क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। अगर अलग अलग डिस्टेंस में अगर आपकी क्या आ रही बेटे स्पीड अलग अलग आ रही, तो कौन सी स्पीड बोलेंगे आप। तो यहां पर जरूरत पड़ेगी बेटे एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एवरेज स्पीड। यानी इन सब स्पीड को हटा के एक ऐसी स्पीड लेंगे जिससे आप यहां से जब ओ से सी गए थे इस डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से होकर के और जिस टाइम में पहुंचे थे, तो क्या करेंगे एक ऐसी स्पीड लेंगे, उस स्पीड से अगर उतने टाइम में जाएंगे तो इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, उतने डिस्टेंस को सिंपल मिटेंगे। समझिए बेटे अगर ओ से सी जाना है इस डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से होके जाइए, या तो एक ऐसी स्पीड ले लीजिए जो थ्रू आउट कांस्टेंट है और उतने टाइम में आप पहुंच जाए कहां ओ से सी, तो हम एक ऐसी स्पीड लेंगे बच्चों जिसे एवरेज स्पीड आप कहेंगे, जो क्या होगी थ्रू आउट मोशन क्या होगी सेम होगी और उतने टाइम में क्या ओ से सी सेम टाइम में आप पहुंच जाएंगे जितने टाइम में आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से होते हुए पहुंच रहे हैं। तो यहां एक टर्म में नया इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों, क्या आपका एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी, और एक टर्म बच्चों और इंट्रोड्यूस करेंगे क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ वेलोसिटी टर्म। यानी किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछ लिया जाए स्पीड ऑफ वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए किसी इंस्टेंट यानी यहां पे पूछ लिया जाए क्या होगी स्पीड ऑफ वेलोसिटी, क्या बताएंगे आपका इस एग्जैक्ट पॉइंट पे किससे मोशन कर रहा है बेटे 15/2 मीटर पर सेकंड से, यानी इस स्टैंड पे आपकी स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी 15/2 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ वेलोसिटी दोनों एक साथ क्यों बोल दे रहे हैं बेटे, अगर डायरेक्शन मैंने कांस्टेंट कर दिया तो वही क्या हो जाएगी स्पीड उस पार्टिकल के लिए, और वही हो जाएगी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो आइए बेटे क्या क्या पढ़ना है आगे, ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो यहां से कुछ टर्म नया आएगा बेटे, क्या आने वाला है आपको एवरेज स्पीड पढ़नी है, वेलोसिटी पढ़नी क्या है बेटे, स्पीड ऑफ वेलोसिटी पढ़नी है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले क्या एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि बेटे जब अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वेलोसिटी या स्पीड से मोशन करेगा तो हमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम बता सके पूरे सेगमेंट में भैया इतने वेलोसिटी मूव करिए और सेम टाइम में आप पहुंच जाएंगे इतने डिस्टेंस। तो आपका टर्म नया इंट्रोड्यूस होगा एवरेज वेलोसिटी, और बेटे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड क्या हो, किसी इंस्टेंट पे अगर बात की जाए कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बताइए, यानी टी बराबर 1 सेकंड पे बताइए कि स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पर बेटे एक टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप पढ़े, ये चीज समझ में आ गया बेटे। दो टर्म आगे पढ़ना है अब,
एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। आइए बेटे तेजी से देखते हैं चीजें। बेटे एवरेज वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है या स्पीड क्या होता है। जरा देखिएगा बेटे एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी। एवरेज स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। बेटे एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। यानी जो आपको अभी अभी मैंने बताया था डिस्टेंस, डिस्टेंस ही बेटे क्या होता है पाथ लेंथ आपका। यानी स्पीड क्या होती बेटे, स्पीड डिपेंड करती है आपके पाथ लेंथ पे यानी डिस्टेंस पे। अगर बेटे टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दे, यानी जो आपका पहला एग्जांपल बेटे मैंने बताया था पाथ लेंथ यानी जिस पाथ को आप फॉलो करें। सपोज करो बेटे ए से बी आप जा रहे हैं, लीजिएगा जरा ए से बी बेटे जा रहे हैं। सपोज करो बेटे इस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ में कितना आपने पाथ लेंथ कवर किया यानी डिस्टेंस कवर किया, उस टोटल डिस्टेंस को बेटे सपोज करो टाइम टी ले रहे हैं। टोटल टाइम बच्चों टी, ए से बी जाने में टोटल टाइम टी ले रहे हैं। इस बेटे पाथ लेंथ यानी इस डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दें, टोटल टाइम इंटरवल टी से डिवाइड कर दें, तो आपकी मिल जाएगी एवरेज स्पीड। यानी कि बच्चों जो आप निकालते थे डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कितना टाइम लिया आपने उस डिस्टेंस को कवर करने में, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी मिल जाएगी बेटे एवरेज स्पीड। सेकेंड पॉइंट बेटे देख गया एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी बेटे ये होता है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम आप ले रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी ए से बी जाने के लिए जो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट बेटे समझाया था, तो ए से बी जाने के लिए उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम आप ले रहे हैं, अगर टी टाइम ले रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम से बच्चों डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यानी कुछ यहां पे करना नहीं है बेटे, टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा उस टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए आपका बेटे आ जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी के लिए बच्चों क्या करें, जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा था उस डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड कर दीजिए बेटे कितना टोटल टाइम से, यानी उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टोटल टाइम लग रहा है, तो आपका आ जाएगा बेटा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ये चीजें आपकी प्रीवियस ही है बेटे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उससे डिवाइड करिएगा, और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड करिएगा, आपका आ जाएगा बेटे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बेटे अगर इसको इस तरीके से लिखे डी बाई टी फॉर्म में लिखे, डी क्या है टोटल डिस्टेंस, टी टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। यानी बेटे स्पीड जब टर्म आएगा तो आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस के बारे में बात करना है, और बेटे जब वेलोसिटी टर्म आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना है। यानी बेटे स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे होगी बेटे, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि आपको किसके बारे में बात करना है बेटे, आपके बात आपको बात करना है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस क्या होता है बेटे, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या होगी बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहां किससे मतलब हमें रखना है, डिस्प्लेसमेंट से। यानी अगर स्पीड के बारे में बात आएगी बच्चों तो डिस्टेंस से मतलब रखा है, अगर हमको क्या होगा वेलोसिटी के बारे में बात करनी होगी तो हमें किससे मतलब रखना है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए क्या होगा आपका स्पीड, आपकी वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आइए बच्चों एक क्वेश्चन से समझते हैं जरा एवरेज स्पीड को। कह रहा है कार भी ट्रेवल करता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा बेटे, सपोज करो ए से बी, ए पॉइंट है ये बेटे आपका, बी पॉइंट है, ए से बी आपको जाना है, कहां जाना बेटे, ए से बी जाना है, बी के पॉइंट कोई सी है, ठीक है। कह रहा है कार ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। यानी बेटे बी वन, ए टोटल डिस्टेंस बच्चों अगर एक्स है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक्स है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब एक्स बाय टू बेटे होगा, ए बी कितना होगा बेटे, एक्स बाय टू आपका होगा, हाफ ऑफ मतलब क्या होगा बेटे, ए बी एक्स बाय टू, ए बी एक्स बाय टू होगा। अब कह रहा है पहला हाफ ऑफ डिस्टेंस बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, यानी बी वन कितना बेटे 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट हाफ ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द कॉन्स्टेंट विद वेलोसिटी 53 किलोमीटर पर आवर, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस बच्चों सी से बी वाला एक्स बाय टू का कवर कैसे बेटे करता है, 60 किलोमीटर पर आवर से करता है। कह रहा बेटे ए से बी आपको जाना है,
अब ए से बी जाने के लिए आप क्या करें, ए से बी के जाने के डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो पहले आधे डिस्टेंस को बच्चों कवर करता है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से, और बचे हुए बच्चों आधे डिस्टेंस को कैसे कवर करता है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर से। यानी यहां कैसे जाता है बी टू क्या है बेटे, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कह रहा है एवरेज क्या बताइए बेटे, एवरेज आपको बताना है वेलोसिटी। अब बेटे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बेटे आपने क्या पढ़ रखा है, एवरेज वेलोसिटी बेटे आपने पढ़ रखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, ए से सी प्लस सी से बी, तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लिखिएगा क्या हो जाएगा, ए से सी प्लस सी से बी। और बेटे अगर मान ले कि ए से सी जाने में आपका टाइम टी वन लगता है, और बेटे सी से बी जाने में आपको टाइम कितना लगता है, टी टू लगता है, तो बेटे टी वन टी टू निकालने में दिक्कत है इसलिए, तो टी वन टी टू निकलेगा कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। ए आपका डिस्टेंस दे रखा है कितना, एक्स बाई टू, स्पीड बेटे दे रखा है यानी वेलोसिटी आपका दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बेटे डिस्टेंस को अगर इस वेलोसिटी से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका टी वन। टी वन टाइम कैसे निकलेगा बेटा ध्यान दीजिएगा, टी वन निकलेगा आपका इस डिस्टेंस को यानी एक्स बाई टू को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर से। तो बेटे आपका एक टाइम निकल आएगा टी वन, ठीक है। टी टू बेटे कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, टी टू में भी यही करना है बेटे, टी टू कैसे निकलेगा, डिस्टेंस से अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड डिवाइड कर दीजिएगा। टी टू बेटे आपका हो जाएगा ए डिस्टेंस एक्स बाई टू अपॉन 60, ये बेटे आपका टाइम हो जाएगा आपका। टी वन टी टू मिल गया, यहां टी वन टी टू वैल्यू बच्चों रखिएगा जरा, ये आपका टी वन प्लस टी टू। आप बेटे क्या मिल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ए सी वैल्यू क्या बेटा एक्स बाई टू, सी बी वैल्यू एक्स बाई टू है, टी वन की वैल्यू कितना बेटा एक्स बाई टू अपान 40, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स अपान 80 बेटे, और सेकेंड को बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपान 120 आ जाएगा, ठीक है। यहां क्या आ गया बेटा, टी वन की वैल्यू एक्स अपान 80 और यहां टी टू की वैल्यू बेटे आ गई एक्स अपान 120, ठीक है। अब बेटे टी वन टी टू वैल्यू यहां से रखिए, एसी और सीबी वैल्यू बेटे यहां से रख दीजिए, क्या आ जा रहा है देखिएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू अपान क्या हो जाएगा बेटे, एक्स अपान 60, एक्स अपान 80 टी वन बेटे, एक्स अपान 80 और प्लस एक्स अपान 120। चलिए बेटे 120 है, मिस्टेक मत करिएगा, यहां पे 120 है। आप बेटे क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई और करिएगा जरा, 120 यहां लिखिएगा बेटे, ऊपर ऐड करिए क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x by 2, x by 2 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, नीचे क्या होगा बेटा, x कॉमन ले लीजिएगा आप, तो आपका आ जाएगा कितना, 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन 20, x x कैंसिल हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई जो करिएगा ऐसा कुछ आ जाएगा 120 into 80 अपॉन 200, कटपिट कर दीजिए बेटे, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 12 4 जा 48 आ जाएगा, यानी कौन सा बेटे पार्ट 48 आ जाएगा बेटे, कितना 48 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बेटे आ जाएगा आपका, ये बेटे फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। तो यानी कौन सा बेटे पार्ट आपका करेक्ट आएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट आएगा। तो बेटे इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने बोला बेटे वेलोसिटी टर्म आएगा तो क्या किस पर नोटिस करना है, डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस टर्म बच्चों आएगा तो किस पे नोटिस करना है हमको, सॉरी स्पीड टर्म आएगा बेटे किस पे नोटिस करना है, डिस्टेंस पे। तो यहां आपका आ गया वेलोसिटी बेटे पूछ रखा था, जैसे वेलोसिटी आएगा हमारा कान खड़ा हो गया और हमने हमको तुरंत ध्यान आया डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना है, तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा, ए से बी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, हमने लिखा है एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू।
अब बेटे समस्या आ रही थी टाइम कैसे लिखे, अपान टोटल टाइम होता है। तो बेटे अलग अलग सेगमेंट का हमने टाइम निकाला, इसका T1, इसका T2, डिस्टेंस बच्चों पता है x बाई टू होगा, और बेटे हमारी वेलोसिटी पता है ए से बी सेगमेंट, ए से सी सेगमेंट की। तो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी ए आ गया। दूसरे के लिए टाइम बच्चों सेम तरीके से लिखा, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी ए दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर से पहले सेगमेंट में, 60 किलोमीटर पर आवर सेकंड सेकंड में मोशन करता है, तो आपका फाइनल ए आ गया। इसको बेटा सिंप्लीफाई किया तो आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें हम आगे देखते हैं एक और नया टर्म देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटे देखिएगा, अगर बेटे आपको एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो, एवरेज वेलोसिटी को आप एक और टर्म में लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा एवरेज वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं। अगर बेटे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखना हो तो एवरेज वेलोसिटी बेटे आपकी होती है, क्या होती है बेटे एवरेज वेलोसिटी आपकी, एवरेज वेलोसिटी बेटे लिखिएगा आप, या एवरेज वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, अगर बेटे कोई पार्टिकल कहां जा रहा है ए से बी, ए पोजीशन बेटे एक्स वन है, ए एक्स टू है, ए टाइम टी वन पे है बेटे, ए टाइम टी टू पे है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना। एवरेज वेलोसिटी बेटे अगर लिखना है, एवरेज लिखना है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स टू माइनस एक्स वन अपान टी टू माइनस टी वन, एक्स टू माइनस एक्स वन अपान टी वन टी टू माइनस टी बेटा ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप एवरेज वेलोसिटी को, कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है कितने टाइम में, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा बेटे टी टू टाइम में से टी वन टाइम हटा दे, यही बीच का टाइम होगा, और यही बेटा एक्स टू पोजिशन से एक्स वन को आप अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम आ गया। अगर बेटे अगर इसको क्या करें, एक्स वन पॉइंट को जस्ट करीब एक्स टू के ला दे, समझिएगा बात, एक्स वन पॉइंट के करीब जस्ट बेटे एक्स टू लाग दिया, एक्स वन यहां था एक्स टू जस्ट के बगल लाग दे, तो टाइम टी वन और टी टू कितना हो जाएगा बेटे, ना के बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटे, एक्स वन पॉइंट यहां था, टी वन यहां था, टी वन टाइम मान लो था आपका वन सेकेंड था, T2 बेटे कितना ले 1.000 समथिंग ले ले, यानी ना के बराबर चेंज हो टाइम में, तो आपका x2 पोजीशन जस्ट बगल ही हो जाएगा। तो बेटे इसी टर्म को आप लिख सकते हैं क्या, अगर यहां पे लिखनी हुई आपको स्पीड या वेलोसिटी लिखनी हुई तो dx by dt लिख सकते हैं बेटे, dx by dt आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, या स्पीड dx by dt लिख सकते हैं, क्यों, ये चेंज बेटे x2 और x1 में ना के बराबर है जिसको आप dx लिख सकते हैं, और T2 माइनस T1 में टाइम ना के बराबर बच्चों जिसको आप dt ले सकते हैं, यानी इस छोटे से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटे इतना dx की, और ये बेटे चेंज कितने में कर रहा है dt टाइम में, इस dx डिस्टेंस की बात तो बात कर रहे हैं बेटे dt टाइम में, तो इसको लिख सकते हैं आप dx by dt, ठीक है। तो यही बेटा होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट बेटे इतना डिफरेंस होता है, इतना बेटे डिफरेंस होता है, यहां पर आप डिस्टेंस की बात कवर करने करेंगे, यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इतना आपको छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना, बट यानी मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर वेरी एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एवरी इंस्टेंट मानी जस्ट टी टाइम पे, समझिए बात का कैसे इंस्टेंट ऑफ टाइम, जरा समझिए एक एग्जाम्पल बेटे आइए देखिएगा, थोड़ी चीज और क्लियर होगी, एक एग्जाम्पल आइए ध्यान से देखिए बेटे, जरा देखिए इस मोशन को ऑब्जर्व करिएगा कार का, पुराने वाले मोशन का, अगर बेटे इस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी पूछ ली जाए कि भैया हमको बताइए कि क्या होगी वेलोसिटी, मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकंड है, t बराबर 1 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे आप यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1/2 यानी 0.5, यानी यहां अगर पूछेगा 0.5 बताएंगे, यहां कहीं बेटे आपसे पूछ लिया मान लीजिए आपका टाइम है 2.2 सेकंड कि भैया t बराबर 2.2 सेकंड पे क्या बताइए अपनी स्पीड या वेलोसिटी बताइए,
हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया बेटे, यही आपकी स्पीड, यही आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर पूछ लिया क्या आप बताएंगे कि हमारी बेटे जो स्पीड होगी, हमारी स्पीड जो होगी क्या होगी, टी बराबर 2.2 सेकेंड पे हमारी जो स्पीड होगी वो होगी आपकी कितना, 9/2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, समझ पा रहे किस इंस्टेंट की बात करें। जब इंस्टेंट की बात करता है बच्चों तो ऐसा होता है, इंस्टेंट देखिएगा, यानी अगर मोशन ए से बी हो रहा है, ध्यान दीजिए बेटे, अगर पार्टिकल ए से बी जा रहा है, किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है यानी इस इंस्टेंट का, तो इसको कैसे लिखते हैं, dx by dt लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ना के बराबर चलेगा, ना के बराबर ऐसे, तो इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे dx, और क्या कर देंगे बेटे इतना कितने टाइम में चलेगा, dt टाइम में चलेगा, इसी को लिखते हैं बच्चों dx by dt। और ये dx by dt क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी, 2.2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी अगर पूछ लिया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है dx by dt। और किसी इंस्टेंट में पूछ लिया भैया, जैसे पूछ लिया ये 2, 2, 4 यहाँ 4.2 सेकंड में आप क्या बताइए, अपना क्या बताइए, स्पीड या वेलोसिटी बताइए। जब किसी बेटे इंस्टेंट में पूछ ले तो उसे क्या बोलते हैं आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बेटे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, dx by dt, क्यों, d एक्सचेंज, यानी बेटे इस पॉइंट पे जस्ट पूछ लिया तो यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पूछ लिया तो क्या हो रहा है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना के बराबर चेंज होगा ऐसे ऐसे, इसी को आप dx बोलेंगे, यही dt बोलेंगे। और इस पॉइंट की लगभग वेलोसिटी सेम या स्पीड सेम होने वाली है, और यही स्पीड या वेलोसिटी क्या कहलाएगी बेटे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो कितनी निकल के आएगी इस जोन के लिए आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी निकल के आ जाएगी कितना आएगा, 15/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। चलिए समझ आए बात की नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है स्पीड बेटे, क्या होता है वेलोसिटी, ये चीजें आपका डिफिनेशन आप देख लीजिएगा। यानी बेटे इसको आप लिख सकते हैं dx by dt टाइप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते बेटे, dx by dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को, यहां बेटे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को dx by dt लिख सकते हैं। बस स्पीड बच्चों ध्यान रखना है, जो dx by dt की वैल्यू आएगी क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है आपको, ऑलवेज पॉजिटिव बेटे लेना है, क्योंकि स्पीड क्या है बेटे आपकी, वो है वेक्टरलेस, यानी सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो क्या है डायरेक्शन कोई बात नहीं होगी, यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम एक तरीके से ले रहे हैं, तो यहां पर ऑलवेज क्या लेना है, dx by dt को पॉजिटिव कब, जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में dx by dt क्या हो सकता है बेटे, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चले चलिए बच्चों आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी बच्चों आपको जो dx और dt के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ए एवरेज को आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी अभी जस्ट बताया आपको। और बेटे अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, डेल्टा टी जो ड्यूरेशन टाइम को जस्ट जीरो, यानी किसी फैक्ट किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाए, डिफरेंस जीरो कर दिया जाए, इसी कल से बेटे dx by dt, जो अभी आपको मैंने सिखाया चीजें लिखाने के लिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटे, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीजें अभी जस्ट मैंने बताया बेटे। तो आपका इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप, जब डेल्टा टी जीरो होगा dr by dt टाइम लिख सकते हैं, ये चीज मैंने समझाया बेटे। r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और इसलिए इसको बेटे dr by dt लिखे हैं, विशेष कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि क्या है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना बेटे, r यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में r है, वहां क्या है डिस्टेंस है बेटे, बाई कोई डिफरेंस नहीं है, dr by dt कैसे लिख दिया मैंने आपको समझा दिया। डेल्टा r अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन टोटल टाइम होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट को ना के बराबर छोटा कर दो तो उसको dr लिख सकते हो, टाइम को छोटा कर दो बेटा dt लिख सकते हो, बस इतना सा डिफरेंस है। तो बच्चों एक्सेलरेशन देखते हैं, तो एक्सेलरेशन में बेटे क्या है जरा ये डिस्कस करते हैं, जरा दो फिगर को बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहला फिगर क्या है बेटे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, देखिए है क्या बेटे, समझिएगा इसको बेसिक तरीके से बेटे, आपकी क्या है कार की वेन, कार क्या कर रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, इनिशियल देखा बेटे, इनिशियल में देखिएगा बेटे तो क्या है, यू इक्वल टू जीरो है, यानी इसकी स्पीड अगर देखें, यानी वेलोसिटी देखें बेटे, एक्सीलरेशन टर्म, एक्सीलरेशन क्या है वेलोसिटी, इसमें देखेंगे तो बेटे वेलोसिटी क्या है इनिशियल में,
इस कार की क्या है बेटे, ध्यान से देखिएगा, यू इज इक्वल टू जीरो गिवेन है, आपको दिख रहा होगा कितना गिवेन है बेटे, जीरो। फिर बेटे वन सेकेंड बाद इसकी बेटे वेलोसिटी देखिएगा कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर बच्चों वन सेकेंड बाद आप देखिएगा इसकी वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी बच्चों चेंज हो रही है हर एक सेकेंड पे, बट देखिएगा बेटे यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। देखिए क्यों यूनिफॉर्मली मैं बोल रहा हूं, ऐसे बेटे ऐसे अगर चेंज हो, यानी क्या हुआ, 1 सेकेंड में 0 से 1 गया, अगले बेटे 1 सेकेंड में 1 से 2 गया। तो अगर बेटे एक्सेलरेशन लिखना चाहे, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मोशन को बेटे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ऐसा क्यों बोलते हैं बेटे, जरा स्पीड का चेंज लिखिएगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। एक्सेलरेशन बेटा बेसिक आप समझिए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जरा बेटा इसका एक्सेलरेशन लिखने का कोशिश करिए पहले केस में, तो क्या होगा ध्यान से देखिए आप, पहले केस बेटा लिखने की कोशिश करिए तो आपका होगा क्या, V1 - 0/1, यानी आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखना बेटा आपको पता है, बेसिक आइडिया आपका होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यानी बेटे एक्सेलरेशन लिखना चाहे, इस इनिशियल स्पीड बच्चों कैसे थी, जीरो थी, 1 सेकेंड बाद 1 हो जा रही है वेलोसिटी इसकी, अगले बेटे 1 सेकेंड बाद 2 हो जा रही है। तो क्या करे, वेलोसिटी बच्चों चेंज करे ड्यूरिंग मोशन। तो अगर बेटा एक्सेलरेशन लिखना चाहे, यानी 1 पोजीशन से 2 पोजीशन जब पहुंचता है, इसका एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या आ रहा बेटा एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा बेटे। सेकेंड और थर्ड पोजीशन को आप ध्यान से देखें, ये तो फर्स्ट पोजीशन आपका हो गया बेटे, सेकेंड और थर्ड को आप देखेंगे तो यहां एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो क्या होगा, यहां पे वही कंसेप्ट लगाइए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला बेटे लिख लीजिए आप, जरा होता है आपका बेटे एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन बेटे वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है बेटे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 1 - 0/1, यानी बेटा एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकेंड में बच्चों देखिएगा इस केस में, जरा आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है बेटे, 2, पहले क्या है बेटे 1। तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहे बेटे ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो 2 - 1/1 बेटे टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, यानी आपका यहां भी आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बेटे ड्यूरिंग मोशन क्या दिख रहा है आपको बेटे, फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन जाने में एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बेटे सेकेंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन में कार जा रही है तब भी उसका एक्सेलरेशन बेटे क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी आप जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा था क्या, इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर, यानी बेटे यहां पर स्पीड में क्या है बेटे, इक्वली चेंज आए इक्वल टाइम। यानी अगर आप बोल दिया जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आए किसमें, आपकी वेलोसिटी में। जरा देखिएगा इन दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है, यहां पर वन अप चेंज आ रहा बेटे, 1 आ रहा है, यहां भी चेंज 1 आ रहा है, टाइम बेटे यहां भी 1 सेकेंड है, यहां भी 1 सेकेंड है। अगर ऐसा कोई कार मोशन करे इस तरीके से बेटे, इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। क्यों बेटे, एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट दिख रहा है, यहां से यहां भी वही आएगा, यहां से यहां आएगा, मैंने कैलकुलेट कर दिया बेटे। सेकेंड आप मोशन देखिए, एक बालक दौड़ रहा है, ठीक है, यहां बेटे इसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या है बेटे, 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे बेटे 5 है, वेलोसिटी बेटे अलग अलग टाइम पे उसकी डिफरेंट डिफरेंट है। जरा लेकिन ध्यान से फोकस आप पे करिए बेटे, टी बराबर 1 सेकेंड पे क्या है बेटे, आपका टी बराबर 1 सेकेंड ले रहा है, और यहां बेटे 0 वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी 1 हो जा रही है। एक्सेलरेशन बेटे सेम मेथड से आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां बेटे क्या जा रहा है, पोजीशन बेटे 1 है आपका, ए 2 है, ए पोजीशन बेटे 3 है, तो बेटे क्या पोजीशन 2 से 3 बच्चों जा रहा है, वेलोसिटी कितनी हो जा रही है बेटे, 1 से 5 हो जा रही है। तो एक्सेलरेशन बेटे इसी मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ध्यान से देखे बेटे, यहां पे इक्वल चेंज नहीं आ रहा, यानी टाइम इंटरवल अगर सेम ले रहे हैं तो वेलोसिटी में इक्वल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। पहले और बेटे सेकेंड पोजिशन में चेंज देखेंगे वेलोसिटी में, तो 1-0 यानी चेंज बेटे 1 आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन में बेटे। लेकिन सेकेंड थर्ड में देखेंगे बेटे चेंज वेलोसिटी में कितना आ रहा है। बेटे वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ध्यान दीजिएगा, वो आपको मिल रहा है 5-1 यानी बेटे 4 आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यहां बेटे कितना आ रहा था 1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का बेटे चेंज है देखिएगा। अब बेटे टाइम तो सेम ही है, यहां भी ये बच्चा यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड ले रहा था, ये बच्चा यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड ले रहा, बट चेंज क्या हो रहा बेटे, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा मोशन बेटे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहां से यहां आपका एक्सेलरेशन देखो बेटा 1 आ रहा है, और यहां से यहां मोशन के दौरान एक्सेलरेशन 4 आ रहा, यानी एक्सेलरेशन अलग अलग सेगमेंट में बेटा अलग अलग होगा। तो क्या ऐसा मोशन कैसे कहलाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब जैसे हम लोगों ने बेटे मोशन में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया एक्सेलरेशन बताइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में बता पूछ लिया किसी ने, तो आप सिंपल से बता देंगे सर एक्सेलरेशन चाहिए कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों, थ्रू आउट बच्चों एक्सेलरेशन तो सेम रहने वाला है पहले केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में, लेकिन बेटे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होने वाला है, आपका एक्सेलरेशन क्या बेटे डिफरेंट डिफरेंट होने वाला अलग अलग सेगमेंट में। अगर आपसे किसी ने गलती से पूछ ले भैया आप बताइए हमको एक्सेलरेशन कहां एक पोजीशन से 3 पोजीशन में जाने में तो कौन सा आप बताएंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप बताएंगे कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे। तो इस समस्या से आपको समस्या क्रिएट हो गई, भाई कौन सा बताएं, तो आपको समस्या क्या आ रही भाई ये वाला बताएं कि ये वाला बताएं। तो इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं कौन सा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एक ऐसा एक्सेलरेशन लेते हैं जो थ्रू आउट सेम रहे इनके प्लेस पे, आगे पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, एक एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो जस्ट आगे देखने वाले, ठीक है। और बेटे एक टर्म और पढ़ने वाले आगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछ लिया जाए यानी इस इंस्टेंट पे बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे 1 से 2 जाने पे पूछ लिया कि यहां कहीं यानी 1 सेकंड टोटल लग रहा मान लेते हैं 0.5 सेकंड पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे एक्सेलरेशन, आप बताएंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां कहीं टाइम पे पूछ लिया यानी ये टाइम आपका हो जाएगा 1 सेकंड जुड़िएगा 1.2 सेकंड पूछ लिया एक्सेलरेशन, तो आप बता देंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एक टर्म और पढ़ने वाले हैं हम, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का टर्म, आइए देखते हैं आगे। बेटे क्या हो गया एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये बेटे आपका एक्सेलरेशन होता है। जरा बेटे एवरेज एक्सेलरेशन लिखे, क्या मैंने बताया एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टाइम इंटरवल, यही होता है बेटे आपका एक्सेलरेशन। अगर बेटे आप एवरेज एक्सेलरेशन लिखना चाहें, एवरेज एक्सेलरेशन बेटे क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन बेटे क्या होगा देखा देखिएगा, आपने क्या भी देखा इसके पहले बेटे, अगर कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा हो ध्यान दीजिएगा बेटे, और इसकी वेलोसिटी हो जाए वी से यू से बी हो जाए, कितना जाए यू से बी हो जाए बेटे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटे, वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अगर बेटे टी वन टाइम पे यहां से मोशन स्टार्ट किया है और टी टू टाइम पे बेटे इसका वेलोसिटी वी हो जा रहा है, तो क्या करेंगे बेटे टोटल टाइम के लिए, टी टू माइनस टी, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बेटे अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सेलरेशन के, पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आपको आ गया होगा, और एक्सेलरेशन होता क्या बेटे आप रियल लाइफ में एक्सेलरेशन को अगर फील करिएगा, तो जस्ट क्या हो, कोई बाइक अगर मोशन कर रही बेटे, अगर उसको अगर कोई बाइक क्या कर रही हो आगे चल रही हो, अगर उसको क्या कर दिया पीछे से खींचा जाए, पीछे से फोर्स लगाए खींचा जाए बच्चों, तो क्या होगी उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होगी। कंसेप्ट को समझिएगा जरा, एक्सेलरेशन कंसेप्ट को सपोज करो बेटे, ब्लॉक ए ले लीजिए आप, ब्लॉक ले लीजिए आप, समझ लीजिए आपकी कार है
अब कार को क्या देते हैं बच्चों, अगर कार स्टेट अपरेस्ट में खड़ी हो तो क्या करते हैं, पीछे से कुछ लोग धक्का देते हैं उसको, पुश करते हैं, तो कार क्या करती है बच्चों, आगे की डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देती है। तो क्या करते हैं, पीछे से क्या लगाते हैं, बड़े फोर्स लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, एक तरीके से एक्सीलरेट करते हैं किसको, इस अगर कार सपोज करो बेटे कार है जो दिख तो नहीं रहा है बट इसको अगर आप कार समझे, तो अगर पीछे से क्या करें, पुश करें 10 लोग मिलके 5 लोग मिलके, डिपेंड करता कितने कैपेसिटी वाले लोग हैं, तो क्या करेंगे वो मोशन करेगा, तो क्या दे रहे हैं ध्यान लिए, उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं, फोर्स लगा क्या करें बच्चों, एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर बेटे इसी कार को अगर आगे बेटे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर इसको रोकना चाहेंगे तो क्या होगा, 4-6 लोग मिलकर खींचेंगे इसको, यानी आगे जा रहा हो कार को पकड़ के रस्सी लगा किस तरीके से खींचेंगे ताकि बेटे इसको रोक ले, तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं बेटे डी एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी आप फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी धीमा कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन बेटे क्या करता है, आपकी वेलोसिटी को बढ़ाता है, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटे, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में कोई लगा रहा होगा, तो आपकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी बेटे, बढ़ती जाएगी। और डी एक्सीलरेशन में बेटे क्या होता है, अगर कोई बाइक या कार आगे बढ़ रही बच्चों, उसको रोकने के लिए यानी रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स कोई लगा हो तो क्या करता है, डी एक्सीलरेशन का काम करता है, तो वहां से हम निकालते हैं क्या, एक्सीलरेशन जो निकालते हैं डी एक्सीलरेशन होता है, फोर्स इक्वलिंग आपको बेसिक पढ़ा होगा, फोर्स एफ बराबर एम ए बेटा ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन मतलब आप समझने की कोशिश करिए, जो वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज करे, तो वेलोसिटी तभी बेटा इंक्रीज होने वाली है जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे, यानी इसको क्या करो बेटे पुल पुश करो आप, पीछे से धक्का दो, तो क्या होगा एक्सीलरेशन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या करेगा बढ़ाएगा, फोर्स की वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो यानी क्या होगा इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। और ऐसा कोई बेटा फोर्स लगे यानी ऐसा कोई एक्सीलरेशन लगे, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी बेटा घटाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, डी एक्सीलरेशन बोलते हैं, और उसका क्या होता है निगेटिव साइन से आप क्या करते हैं इसको मेंशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इससे आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या बेटे, कार इंक्रीज फ्रॉम स्पीड बच्चों अपनी इंक्रीज कर रही कितना, 30 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर में कर ले रही बच्चों, स्पीड क्या कर रही कार इंक्रीज कर रही अपनी, एक्सीलरेशन को समझिए बेटे कैसे निकालते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर कर ले रही है कितने टाइम में बच्चों, 5 सेकंड में, तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन ऑफ द कार, क्या निकालना है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ द क्या कार निकालना है, ध्यान दीजिएगा एक्सीलरेशन ऑफ द कार अभी आपने क्या पढ़ा होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, क्या होता बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल में बेटे मान लो पोजीशन ए है और बेटे कहां जा रहा है आपको, बी जा रहा है, यानी बेटे ए से बी जा रहा है, ए पे इसकी वेलोसिटी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, और बी पे कितनी है बेटे इसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और बेटे टाइम कितना ले रहा है इसे भी जाने में, गिवेन है आपका 5 सेकंड, तो यहां लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम क्या हो जाएगा 5 सेकंड, लेकिन यहां दिक्कत बेटे एक दिख रही होगी आप, यहां वेलोसिटी तो किलोमीटर पर आवर में है बच्चों, टाइम आपको यहां सेकंड में गिवेन, तो आपको वेलोसिटी जो किलोमीटर बच्चों पर आवर में है उसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, देखिए कैसे होता है, जैसे बेटा अगर इसको V1 से लिख लें आप, इसको आप V2 से लिख लें, तो V1 कैसे हो जाएगा बेटा, V1 कैलकुलेट करिए, V1 हो जाएगा आपका 36 × 5 = 18 हो जाएगा, अगर बेटे आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में काउंट करना है तो 5 / 18 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्यों बेटे 5 / 18 से, देखिएगा इधर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होता है, फाइनली होता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1000 / 3600 बच्चों कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका
मीटर पर सेकंड में, एक जीरो यहां से हटाइए बेटे, एक जीरो कम करिएगा, तो एक कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर किसमें बेटे, मीटर पर सेकंड में। इसको बेटे जब कट पिट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा 5/80 मीटर पर सेकंड। तो हमने बेटे इस कंसेप्ट का डायरेक्ट यूज कर लिया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। इस कंसेप्ट को बच्चे हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट यूज कर लिया। और जिसका यूज करके हमने आप डायरेक्ट इसका यूज कर लीजिए कंसेप्ट को, क्या हो गया बेटे, ऐसे मैंने यूज कर लिया तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 36, ना ना 18 2 जा हो जाएगा, 18 2 जा हो जाएगा बेटे कितना 36 हो जाएगा बेटे। फाइनल कितना आ जाएगा ये V1 आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटे, ध्यान दीजिएगा V1 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और बेटे अगर V2 आप इस तरीके से निकालिएगा तो V2 क्या आ जाएगा आपका 54 है बेटे, 54 में 5/80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 18 3 जा क्या हो जाएगा 54, यानी ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी बेटे क्या आ गया फाइनल ब्लास्ट 15 आ गई मीटर पर सेकंड में काउंट कर लिया, इनिशियल आपकी बेटे 10 मीटर पर सेकंड है। यहां जरा बेटे रख दीजिए आप, यानी ये 15 V2 माइनस B1 अपॉन टोटल टाइम अगर बेटे T हो तो आपने T लिख दिया। V2 कितना आ गया बेटे, कितना आ गया 15 आ गया, रखिएगा वैल्यू बेटे जरा 15। B1 कितना बेटे आ रहा है आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, इसको लिखिए आप। टोटल टाइम बेटे कितना है T, 5 सेकंड लग रहा है। जब बेटे सिंप्लीफाई करिए क्या आ जाएगा आपका 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है बेटे क्या होती है यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटे एक्सेलरेशन आपका, बेटे एक्सेलरेशन आपका आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया प्रॉपर। पहले क्या किया मीटर पर सेकंड में बच्चों कन्वर्ट कर लिया इसको, क्योंकि टाइम सेकंड में दे रखा है 5 सेकंड, फिर सिंप्लीफाई कर लिए बच्चों, निकल गया अपना एक्सेलरेशन। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया है। आइए बच्चे पढ़ते हैं क्या, ये dv/dt क्या टर्म बेटे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा। जैसे वहां बेटे क्या लिख दिया हमने dx/dt लिख दिया था, यहां पर हम क्या लिख देंगे बेटे dv/dt। समझ रहे बेटे, किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बेटे, जब किसी इंस्टेंट पे पूछे तो उसे क्या बोलेंगे बेटे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट और, बेटे जरा देखिएगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैपिटल से बेटे dv/dt, यानी किसी जब इंस्टेंट पे बात करें बच्चों, यानी पार्टिकल अगर जा रहा है, देखिएगा यहां पर एक एग्जांपल समझिएगा, जो अभी आपने एग्जांपल लिया था, दो एग्जांपल आपने लिया था यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म पे, तो मैंने बोला था किसी इंस्टेंट पे बात करे तो एक टर्म आता बेटे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां पे क्या है बेटे आपका, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है बेटे आपका, इंस्टेंटेनियस है। कैसे बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना होता है, तो उसको dv/dt के फॉर्म में लिखते हैं बेटे। स्लोप निकालना अगर आप क्या है, आपको ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं आपको समझ में आना चाहिए। अगर बेटे पार्टिकल ए से बी जा रहा है, सपोज करो ठीक है, ए से बी जा रहा है बेटे, अगर किसी स्टैंड पे मान लो यहां पे वेलोसिटी इसकी वी है, यहां सपोज करो आपकी यू है, ठीक है, यहां वेलोसिटी बेटे वी है और यहां यू है। अगर पूछ लिया आपसे एक्सेलरेशन इसके बिटवीन में कहीं किसी स्टैंड बच्चों पूछ लिया एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। यानी बेटे जब स्टैंड चेंज अगर इसके ए से बी के बीच पूछेगा तो सिंपल आप लिख देंगे यू माइनस बी अपॉन
टोटल टाइम बेटा अगर टी होगा तो आप एक्सेलरेशन कैसे लिख देंगे, एवरेज एक्सेलरेशन आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, समझिए बेटे इस पॉइंट को यहां नीचे, एवरेज एक्सेलरेशन जस्ट अभी अभी आपने लिखा, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा बेटा आपने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी यू माइनस बी अपॉन टोटल टाइम बेटा टी। लेकिन बच्चा अगर जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यानी बी से यू, इसमें डिफरेंस ना के बराबर कर दिया जाए, ठीक है, यानी आपकी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बेटे ना के बराबर, ऐसा एक पॉइंट बच्चों कंसीडर करें, यानी आपका बी भी यही आ जाए यू भी यही आ जाए, यानी ऐसा एक पॉइंट बच्चों लो जहां पर बी और यू की वेलोसिटी में चेंज जब ना के बराबर हो रहा हो और यहां से यहां मूव करने में टाइम भी बहुत ना के बराबर लगेगा, बी से यू आप अगर वेलोसिटी आपकी हो रही है टाइम अगर टी ले रहे हैं बच्चों, सपोज करो एक ऐसा पॉइंट बीच में यहां से यहां, तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा होगा, बहुत छोटा, जिसको आप बीटी लिख लेंगे। सपोज करो बेटे एक पॉइंट को हम सपोज कर रहे हैं और यहां से यहां वेलोसिटी में चेंज होगा बेटे, अगर मान लो यहां बी है तो बी में बहुत माइनूट सा चेंज होगा, अगर मान लो बेटे बी वन यहां हो जा रहा है बी वन में बहुत माइनूट चेंज होगा, बी में बहुत माइनूट चेंज होगा, यानी जिसको आप लिख सकते हैं डीबी। अगर बी से यू इतने टाइम इंटरवल हो रहा है किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो उसके आसपास बेटे क्या होगा, डी टी टाइम है, थोड़ा फ्रैक्शन आप टाइम ले तो उसमें चेंज क्या होगा बेटे, बहुत स्मॉल डीबी मिलेगा, तो उसी पॉइंट को क्या बोल देंगे बच्चों, इस पॉइंट की एक्चुअल में डीबी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटे, एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको आप बेटे लिख देंगे डीबी बाई डी टी के फॉर्म में। और स्लोप जरा देखिए बच्चों, यहां पर अगर ऐसा कोई कर्व गिवन हो और बेटे अगर बी और टी गिवन हो, यानी वेलोसिटी बच्चों वाई एक्सिस पे हो और टाइम एक्स एक्सिस पे जो टाइम गिवन हो, तो अगर बेटे इसका स्लोप लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जरा एक लाइन ड्रा करिए बेटे, इसका स्लोप आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी अगर वेलोसिटी सपोज करो बेटे यहां बी वन हो, यहां बी टू हो और टाइम बेटे यहां पर टी वन हो टी टू हो, स्लोप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे आप बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, या बेटे इसका आप टेन थीटा ले लें, स्लोप ले लें, ऐसे आप निकाल लें टेन थीटा से, तब भी क्या आ गया बेटे, आपको सिंपली ग्राफ से पता चल रहा होगा, जब इसका आप स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप रिप्रेजेंट किसको करता है बेटे, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसका, बी और टी अगर कर बच्चे गिवन है, इसका स्लोप निकालिएगा तो आप देख लीजिए स्लोप राइट साइड देखिए बेटे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बी टू माइनस बी वन ऐसा आप डीवी बाई डी टी आ गया, यानी बेटे अगर इस कर्व का स्लोप निकालेंगे डीवी बाई डी टी क्या देगा आपका, एक्सेलरेशन देगा, यानी बेटे कर्व किसका है, वी और टी का है, जब इसका स्लोप निकाल लेंगे इस लाइन का तो क्या दे देगा बच्चों, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, ये क्या देगा बी टी कर्व आपका, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी देगा। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये आपको प्रॉपर क्या दिया है डिफिनेशन, तो आप इसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा चीजों को। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटा क्या हुआ, किस इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या कर रहा बेटा, एक टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, जिसमें वेलोसिटी चेंज अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहा है। आइए आइए बच्चों ग्राफ में एंट्री करते हैं, अपना एक्सेलरेशन का टॉपिक बेटे खत्म हुआ, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया, इंस्टेंटेनियस क्या होता है मैंने एक्सेलरेशन ये बता दिया, एवरेज एक्सेलरेशन क्या बेटे होता है मैंने ये समझा दिया। अब बेटे थोड़ा ग्राफ में एंट्री करते हैं, ग्राफ में एंट्री करने से पहले जरा देखिए कि बेटे स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर एक्स वाई एक्सिस गिवन हो, ये बेटे वाई एक्सिस गिवन है, एक्स वाई इसको ये बेटे एक्सिस आपकी क्या हो गई, ये बेटे एक्स हो यहां पे और बेटे वाई हो यहां पे, जरा एक्सिस बेटे ध्यान से लिखिएगा, ये चेंज करिए बेटे वाई एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से है, अगर बेटे इस लाइन का स्लोप लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या स्लोप लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, थीटा अगर गिवन हो तो डायरेक्ट एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है बेटे, आपने पढ़ रखा होगा क्या, जिसको आप लिख सकते हैं कैसा स्लोप, इसका लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैसे डीवाई बाई डी एक्स से, जिसको आप लिख सकते हैं टैन थीटा, स्लोप क्या होता है बेटे टैन थीटा होता है आपका, स्लोप क्या होता है बेटे जनरली आप देखिएगा टैन थीटा होता है, सरे क्या है
अगर इस लाइन को बच्चों आपको स्लोप निकालना है वाई एक्स एक्सिस पे लाइन में चुट रहा है, अगर इसकी आपको स्लोप निकालना है बेटे तो क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे बच्चों। लिखो स्लोप होता है टेन थीटा, थीटा एंगल क्या होता है बेटे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज जाइएगा आप, रे आपकी यानी ये लाइन जितना एंगल बना रही हो कहां जाना है बच्चों आपको, एक्स एक्सिस से ध्यान रहे किधर एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है कहां तक जाना, इस लाइन तक जाना, यानी एक्स से एंटी क्लॉक वाइज से जितना एंगल बना रहा होगा ये लाइन बेटे उसका आप टेन ले लेंगे, यानी टेन आप थीटा कर देंगे बच्चों, तीस लाइन का वो स्लोप निकल आएगा, क्या निकल आएगा स्लोप निकल आएगा, स्लोप निकालने का तरीका यह होता है बेटे। और उसके बाद स्लोप और बेटे एक तरीके से लाइन का और निकाल सकते हैं कैसे, वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन करके, क्योंकि बेटे स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा लिखने के लिए बच्चों अगर ये आप ड्रा कर लें एक ट्रायंगल ड्रा कर लें, ध्यान दीजिएगा यहां पे एक ट्रायंगल बच्चों ड्रा कर लें यहां पे ऐसा, तो स्लोप निकालने के लिए क्या ले सकते हैं y कोऑर्डिनेट चेंज अपान x कोऑर्डिनेट में चेंज, तब भी तो आपका टेन थीटा आएगा, तब भी तो आपका स्लोप आएगा, एक तरीका स्लोप का ये लिखने का है जो आपने ये लिखा, दूसरा तरीका बेटे टेन थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इस लाइन के लिए जो आपने ऐसे लिखा, टेन थीटा कम से बेटे वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स, ये क्या है बेटे ए पॉइंट अगर ए हो ए बी हो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है इसका एक्स टू वाई टू है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप लिख सकते हैं इस चीजें, क्यों सपोज करो बेटे यहां से यहां तक का पॉइंट का डिस्टेंस आपका एक्स वन है और बेटे यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स टू है, ठीक है, और बेटे वाई में अगर जाए तो क्या है आपका वाई वन वाई टू है, पता है आपको बेटे यहां से यहां तक का वाई वन होगा आपका, यहां से यहां तक का बेटे वाई टू होगा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखेंगे और टेन थीटा आप ऐसे निकाल लेंगे जो फाइनली बेटे आपका निकल के आएगा क्या वाई टू माइनस वाई वन बट अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, जिसको आप टेन थीटा रिप्रेजेंट करेंगे यही आपका स्लोप हो जाएगा, तो लाइन का स्लोप निकालना बच्चों आपने सीख लिया है। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं, ये बेटे डिफरेंट डिफरेंट लाइन का स्लोप है, ऐसे ही आप ट्रायंगल बना बना के सॉल्व करिएगा, एक बच्चों मैं बता दे रहा हूं जैसे इस लाइन का स्लोप क्या कि बेटे हम जीरो, इसका वन बाई टू, इसका बेटे स्लोप वन है, इसका स्लोप क्या है टू है, इसका स्लोप बेटे फोर है, अलग अलग लाइन गिवन है, जरा एक का स्लोप मैं निकाल रहा हूं बेटे देखिएगा ध्यान से, अगर बेटे आप इस सेकेंड वाले का स्लोप निकालिएगा इसका तो क्या हो जाएगा बेटे आपका सेकेंड वाले स्लोप क्या हो जाएगा बेटे, ए आपकी क्या हो जाएगी टेन थीटा लिखिएगा, ये थीटा अगर मान लीजिएगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा अपान हाइट अपान बेस बेटे हो जाएगा, हाइट कितना बेटे अगर ये यहां तक की डिस्टेंस है वन है यहां तक की टू है यानी ये वैल्यू आपकी टू आ जाएगी टू यूनिट, नीचे बच्चों जाएंगे कितनी आपकी हो जाएगी फोर यूनिट हो जाएगी, अगर बेटे टेन थीटा आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा लिखिएगा जरा, टेन थीटा आपका हो जाएगा टू यूनिट अपान फोर यूनिट क्या आ जाएगा बेटे वन बाई टू आ जाएगा, वही तो आ रहा है हमकी वैल्यू वन बाई टू, किस कलर के लिए येलो कलर के लिए, इस तरीके से आप अलग अलग कलर के लिए बच्चों क्या निकालिएगा स्लोप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा स्लोप कैसे निकालते हैं। आइए आगे बच्चों कर्व देखते हैं, आपका डिस्टेंस क्या गिवन है बेटे, डिस्टेंस टाइम कर्व गिवन है, आइए ध्यान से देखते हैं, ग्राफ में बच्चों हम लोग एंट्री कर चुके हैं, इसमें देखने वाले क्या डिस्टेंस टाइम कर्व बेटे क्या है, टाइम कितना भी बढ़ा जा रहे हैं, पहले ग्राफ को बच्चों ध्यान से देखिए फर्स्ट वाले को, आप टाइम इसमें बढ़ता जा रहा है, ग्राफ को आप देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है बट क्या नहीं बढ़ रहा बेटे, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ता जाए पोजीशन वही का वही हो तो क्या होगा स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, यानी हम किसी चीज को देख रहे हो अभी देखा वही दिखा, कुछ टाइम बाद देखा फिर वही दिखा और कुछ टाइम बाद देखा फिर वही दिखा, सिंपल मतलब क्या है बेटे स्टेट ऑफ रेस्ट में, अगर पोजीशन चेंज ना करे क्या मतलब बेटा इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो पहला क्या है बेटे रेस्ट का ग्राफ है, यानी पार्टिकल कैसे बेटे रेस्ट में है, क्यों रेस्ट में है बेटे इसलिए रेस्ट में है क्योंकि इनिशियल पोजीशन जहां थी वहीं पर उस टाइम के साथ वहीं पर ही है, पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा टाइम के साथ, और ऐसा मेरे मैंने बच्चों इनिशियल में बताया था ऐसे ऐसा जब सिचुएशन आया तो क्या होता है रेस्ट में होता है ऑब्जेक्ट बेटे। सेकेंड को आप देखिएगा ध्यान से,
डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है बेटे, टी बराबर जीरो पे देखेगा, यहां कहीं है जीरो पर नहीं है, एक्स वन है किसी कोऑर्डिनेट पे है। और बेटे यहां पर आप निकालिए जरा डीएक्स बाई डी टी, यहां पे आप स्लोप अब निकालिए, स्लोप क्या होता है डीएक्स बाई डी टी, यानी ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है स्लोप होता आपका। और बेटा डीएक्स बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता आपका, यानी एक कर्व, कर्व क्या दे रहा बेटा, टाइम बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, टाइम अगर आपका बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा बेटा, डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा, यहां पर बेटे डिस्टेंस ये था, यहां पे डिस्टेंस ये हो गया, यहां पे डिस्टेंस ये हो गया, यहां पे डिस्टेंस बेटे ये हो गया, यहां टाइम बढ़ा डिस्टेंस ये हो गया, यहां टाइम बढ़ा डिस्टेंस ये हो गया, यानी एक कर्व कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस बढ़ रहा है, और होना भी चाहिए बच्चों, टाइम के साथ डिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ता ही है। आपको मैंने जब पढ़ाया था डिस्टेंस क्या होता है बेटे, डिस्टेंस कभी घटा नहीं था, डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, लेकिन कभी घट जाता कभी बढ़ जाता, डिपेंड करता आप कैसे मोशन कर रहे हैं, बट डिस्टेंस कभी बेटे घटता नहीं। तो जाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटे, कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसमें टाइम के साथ पोजीशन यानी आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है बेटे। अगर इसका स्लोप लिखे, स्लोप क्या होता है बेटे, डीएक्स अगर एक्स टी यानी डिस्टेंस को बेटे रिप्रेजेंट करें आप एस से, टाइम को बेटे टी से, तो क्या लिखेंगे आप, एस टी कर रहे बेटे, तो कैसे लिखते हैं स्लोप इसका, डीएस बाई डी टी, डीएस बाई डी टी क्या होगा बेटे, आपका स्लोप होगा, जिसको क्या लिखेंगे आप, जो इक्वल होगा किसके, स्लोप के, यही तो होगा, इसी को तो आप टैन थीटा लिख देते हैं। थीटा क्या होता है बेटे, एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो अभी बताया, यानी थीटा की वैल्यू दी होगी तो आप निकाल लेंगे स्लोप, वही स्लोप बेटा क्या आपका होगा, ये क्या आ जाएगा आपका, डीएस बाई डी टी यानी वेलोसिटी आ जाएगी। सर मुझे नहीं पता डीएस बाई डी टी कैसे वेलोसिटी हो जाएगी, जरा बताइएगा बच्चे, इसका आप निकालिएगा क्या यूनिट, कोई डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिया हो उसका निकाल लीजिए यूनिट, तो इसका डीएस बाई डी टी क्या देगा आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, कोई भी बच्चों कर्व गिवन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर इसका डीएस बाई डी टी क्या देगा, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे कर्व पे तो डीएस बाई डी टी, जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपल से बेटे यहां पर देखिएगा डीएस बाई डी टी लिखिए, इसके बेटे डायमेंशन आप लिख डालिए फटाक से, डायमेंशन बेटे लिखिए क्या होगा, यस क्या है बेटे यहां पर, यस आपका क्या है, डिस्टेंस है जिसकी यूनिट क्या होगी बेटे, मीटर होगी, टी टाइम है जिसकी यूनिट बेटे क्या होगी, सेकेंड होगी, और मीटर पर सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, या तो स्पीड को या तो करता है बेटे वेलोसिटी को, यहां डिस्टेंस है इसलिए क्या हो जाएगा बेटा आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्लोप, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए यहां बेटे देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पर जब देखिए बेटे डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम के साथ होना भी चाहिए, क्या हो रहा है इस ग्राफ में, जो डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है बच्चा, इसका स्लोप आपको क्या देगा जरा देखिएगा, स्लोप क्या होता है, किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाइए, यहां पर स्लोप क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं बढ़ रहा है, टेंजेंट जरा बेटे ड्रा करिए, यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे ऐसे, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, यानी स्लोप क्या होता है, स्लोप आपने क्या पढ़ा है, टेन थीटा होता है, यहां थीटा की वैल्यू देखो बढ़ रही है, यहां पे ऐसे, यहां पे आपकी पेन जो है स्टैंड हो रही है ऐसे, जब पेन आपकी एक्स एक्सिस को लॉन्ग स्टैंड हो एक्स एक्सिस से बेटे ऐसे स्टैंड होती जा रही है, यानी थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, और बेटे थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, यानी बेटे स्लोप यहां पर बढ़ रहा है। अब सर चलिए स्लोप बढ़ रहा है ठीक है, तो ये बेटे स्लोप देगा क्या, तो यहां भी डीएक्स बाई डी टी लिखिए, तो क्या देने वाला है यहां पे स्लोप बच्चों, आपको स्पीड देने वाला है, यहां डीएक्स बाई डी टी बेटे लिखेंगे आपको देने वाला क्या बेटे, स्पीड, यहां का भी स्लोप आपको देने वाला बेटे स्पीड देने वाला डीएक्स बाई डी टी बेटे। कुछ कर्व है शायद आप कुछ कर्व आप देख लिए, किसका, डिस्टेंस का, जो टाइम के साथ बच्चों कर्व गिवन है, एक कर्व आपको समझ में आना चाहिए स्लोप कहां बढ़ रहा है घट रहा है ठीक है। यहां स्लोप क्या देगा बच्चों, यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी देगा स्लोप, और वेलोसिटी क्या होगी बेटे यहां पे बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, क्यों, क्योंकि आपका स्लोप बढ़ रहा है। डीएक्स बाई डी टी क्या देता है आप, तो आपको समझ में आ गया है, इसकी डायमेंशन लिखिएगा क्या दे रहा है बच्चों आपका,
मीटर पर सेकंड दे रहा है, यहां पर डिस्टेंस है यानी स्पीड का दीजिएगा, यानी स्पीड आपका कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है बेटे, बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए स्पीड, स्पीड घट नहीं सकता, कंटिन्यूअसली बढ़ ही सकता है, क्यों, क्योंकि बेटे डिस्टेंस कमी नहीं हो सकती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑलवेज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, घटने कोई सवाल नहीं उठता, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का कर बेटे आर्स में क्या होगा, बढ़ता जाए, इस तरीके से वेलोसिटी उसमें स्पीड बच्चों बढ़ती जाएगी, घटने का कोई सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि भाई डिस्टेंस घटता नहीं, टाइम के साथ बढ़ता ही है, डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ सकता है बट डिस्टेंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइए बेटे कुछ और कर्व को देखते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है, क्या देता है बेटे, क्या गिवन है आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम बच्चों कर्व गिवन है, दोनों कर्व को ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पहले कर्व को देखिए बेटे यहां, यानी टी जो इक्वल टू जीरो बच्चा जब लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा आपका, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट बच्चों अगर आप एक्स से रिप्रेजेंट करें टाइम को बेटे टी से, तो एक्स जीरो होगा कब, जब टी जो इक्वल जीरो होगा, पहले ग्राफ को बेटे फर्स्ट देखेंगे, और टाइम के साथ क्या हो रहा बेटे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा, ठीक है, सेकेंड ग्राफ को बेटे अगर देखिएगा तो क्या आ रहा है आपका, यहां पर टाइम में जीरो बच्चे बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है एक्स वन, टाइम तो जीरो बट डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे आपका एक्स वन है, यानी बेटे एक्स वन इक्वल टू यहां पर एक्स जीरो था, यहां पर कुछ ना कुछ क्या है डिस्प्लेसमेंट है एट टी इक्वल टू जीरो पर, दोनों कर्व को ध्यान से देखिए बेटे, पहले कर्व के लिए क्या है डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो पर जीरो है, बट सेकेंड पे टी बराबर जीरो पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आपका है, ये आपका फिगर बेटे ऐसे बनाया ध्यान दीजिए, जो आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा ऐसे बना, दोनों डिफरेंस बेट से क्या है बेटे दोनों में बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, बट पहले वाले करें बच्चों टी जो कोल्ड जीरो पे ओरिजिन पे था, सेकेंड वाले में कुछ ना कुछ ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुका था टी जो कोल्ड जीरो पे, चलिए तो बेटा अगर इसका हम ले क्या आप क्या हमारे दिमाग में आ रहा सर इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप बेटे क्या देगा, इसका स्लोप देने वाला है आपको वेलोसिटी, क्यों जरा बेटा इसका डीएक्स बाई डी टी लिखिए, स्लोप निकालने के लिए आप क्या ध्यान देते हैं चीजों को बेटे, डीएक्स बाई डी टी लिखिए, डीएक्स बाई डी टी क्या देगा बेटे आपका, डीएक्स बाई डी टी जरा बेटे लिखिए आप डायमेंशन यूनिट लिखिए बच्चों, तो यूनिट क्या होगी मीटर, एक्स की मीटर होगी, टी की यूनिट टाइम सेकेंड होगी, तो यानी मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड बेटे दो ही चीज हो सकता है, या तो वेलोसिटी हो सकती है, या तो हो सकता है आपका स्पीड, यहां बेटे डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी आपको मिलेगा कहां यहां पे वेलोसिटी मिलने वाला, चलिए बेटे वेलोसिटी मिल गया आपको, तो यानी क्या देगा बेटे डीएक्स बाई डी टी यहां पर क्या देने वाला है वेलोसिटी देने वाला है, अगर बेटा एंगल थीटा है ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा एंगल थीटा है ए बी थीटा है तो क्या होगा टेन थीटा, डीएक्स बाई डी टी क्या होता है बेटे आपका टेन थीटा होता है, डीएक्स बाई डी टी क्या होता है बेटे आपके लिए टेन थीटा होता है, अगर बेटे एंटी क्लॉकवाइज में दोनों में एंगल लेंगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा, थीटा क्या है बेटे दोनों के लिए सेम ही होगा, जो भी होगा 45 30 जो भी हो इसके लिए तो टेन थीटा क्या है दोनों के लिए बेटे सेम ही होगा, यानी एक कैसा कर्व है बेटे एक कर्व है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी थ्रू आउट क्या होगी बेटे कांस्टेंट मिलने वाली, पहले कर्व को बेटे जरा एनालिसिस करिएगा, ये क्या है बेटे कांस्टेंट यानी पार्टिकल रेस्ट में है, ए वाला कैसे है बेटे आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों समझ पा रहे हो, क्योंकि थ्रो आउट स्पीड क्या है बेटे कांस्टेंट है, यानी कैसा है बेटे यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है पार्टिकल, ए बेटा कैसा है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्यों क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटे स्पीड आपकी चेंज हो रही है, तो कर्व और भी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप से हम ये देख लेंगे बच्चों की पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, इस चीज का भी हम क्या होगा हमें नॉलेज होता जाएगा साथ ही साथ, स्लोप इसलिए बच्चों निकालते हैं कर्व, अगर कर्व कर्व पाथ दिया हो तो ऐसा कुछ, बेटे यहां पर स्लोप आपका क्या गिवन कर रहा है स्लोप टेन थीटा होगा, जो कर्व बता रहा है बेटे आपका कि आपकी वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट है, यानी आप कह सकते हैं कौन सा केस है बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस है, कौन सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस है बेटे, सेकेंड बच्चों आप ग्राफ देखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटे गिवन है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट बच्चों टाइम के साथ घट रहा है, क्या पॉसिबल है क्या ऐसा पॉसिबल है बेटे डिस्प्लेसमेंट घटे टाइम के साथ, बिल्कुल पॉसिबल, एक्स टी बच्चों ग्राफ है
जहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट रहा है, यानी बेटे टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, जो भी था मान लो एक्सलॉन था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। हो सकता है बेटे आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटे इनिशियल फाइनल पोजिशन के बीच का डिफरेंस, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका घट भी सकता है। तो यहां पर एक ग्राफ करेक्ट है बेटा, अगर इसका स्लोप निकाल लोगे तो क्या देगा बेटे, देखिएगा स्लोप इसका देगा आपका जाहिर सी बात है वेलोसिटी देगा। अगर बेटे एंगल टैन, अगर ये एंगल थीटा हो, कैसे हो बेटे एंगल अगर थीटा हो तो इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, इस लाइन का बेटे स्लोप होगा थीटा। तो टैन थीटा लिखोगे यानी स्लोप, यानी डीएक्स बाई डी टी लिखना बेटे, डीएक्स बाई डी टी आपको क्या मिलने वाला है, डीएक्स बाई डी टी आपको मिलने वाला है बेटे स्लोप, जो इक्वल किसके होगा टैन ऑफ थीटा के। यहां बेटे थीटा क्या है 90 डिग्री ज्यादा है, जब बेटे थीटा 90 डिग्री ज्यादा रहेगा एंगल कैसे लेते पता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, कितना आएगा टैन थीटा, टैन थीटा बेटे थीटा यहां पर ग्रेटर देन है 90 डिग्री। अब बेटे जब थीटा की डिग्री 90 ज्यादा होती है तो टैन थीटा वैल्यू निगेटिव आता है। तो यहां पर आपकी जो वेलोसिटी बेटे आ रही निगेटिव आ रही, यहां वेलोसिटी जो आ रही बेटे क्या आ रही थी पॉजिटिव आ रही थी, क्यों, क्योंकि बेटे थीटा लेस देन था 90 डिग्री। यहां बेटे थीटा 90 ज्यादा यानी जो वेलोसिटी आपकी बेटे आएगी क्या आने वाली वेलोसिटी आपकी, वो आने वाली है निगेटिव आने वाली। और बेटा एक कर्व एक चीज और बता रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा है कि थ्रू आउट मोशन आपकी वेलोसिटी जो रहने वाली है कॉन्स्टेंट रहने वाली। कर्व से क्या पता चला, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये भी कर रहे बच्चों, यानी थ्रू आउट मोशन क्या होगी बेटे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है, स्ट्रेट लाइन यानी थ्रू आउट आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ बच्चों देखते हैं, बच्चों यहां देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके चार गिवन है। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है टाइम पी इज इक्वल टू वेलोसिटी जो है बच्चों टाइम के साथ क्या है कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों क्या है यहां पे कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी क्या है बेटा आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम बढ़ने के बाद। भाई सेकंड ग्राफ आप देखिएगा, सेकंड ग्राफ ध्यान से देखिए बेटो, आपका टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है बेटा जीरो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी बच्चों बढ़ती जा रही है। बेटा अगर इसका स्लोप लिखना चाहें तो इसका स्लोप क्या देगा आपको पता चल जाएगा, अभी डीबी बाई डी टी बच्चों लिखे आप स्लोप इसका, तो डीबी बाई डी टी आपका क्या देगा यहां पर आपका बेटे डीवी बाई डी टी क्या देगा, देखिएगा डीवी बाई डी टी बेटे क्या होता है इसका स्लोप, जिसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा, यानी एंगल बेटे एंटी क्लॉकवाइज थीटा बना रहा हो जिससे आप लिख सकते बेटे टेन थीटा, यही आपका स्लोप हो जाएगा। और इसका स्लोप क्या देगा बेटे ये पता करना है, सिंपल क्या करना बेटे वी और टी की क्या लिख लेनी यूनिट, वी की यूनिट क्या होगी बेटे आपकी मीटर पर सेकेंड, और टी नीचे टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, फाइनल बेटा क्या आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा क्या होता है आपका एक्सीलरेशन होता है। तो फाइनली बच्चों इसका जो स्लोप होगा एक्सीलरेशन देगा, और एक्सीलरेशन की खूबी क्या होगी बेटे देखिएगा, ये जो इक्वल टू टैन थीटा, थीटा बेटे लेस देन कितना रहने वाला है 90 डिग्री है, यानी स्लोप क्या है बेटे इसका पॉजिटिव आएगा, यानी एक्सीलरेशन बेटे आपका आने वाला है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि थीटा क्या है बेटे आपका एंगल किससे टाइम टी से टाइम एक्सिस से बच्चों आपका एंगल है बेटे, इसको बी से रिप्रेजेंट करें इसको टी से, तो आप तब ऐसा लिख सकते हैं थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री है, यानी क्या है आपका स्लोप 90 से कम है, तो एक्सीलरेशन क्या मिलने वाला आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, और थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा बेटा, यानी ड्यूरिंग मोशन अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है बच्चों तो यहां मिलता है एक्सीलरेशन वी और टी का, जब करते हैं क्या स्लोप निकालते हैं यानी डीवी बाय डीटी लेते हैं तो मिलता क्या है बच्चों आपको एक्सीलरेशन मिलता है, और एक्सीलरेशन थ्रू आउट क्या रहता है बेटे कांस्टेंट रहता है, और थीटा का वैल्यू लेस देन क्या है बेटे आपका 90 है, इसलिए जो एक्सीलरेशन मिलेगा आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। बेटा नेक्स्ट ग्राफ में क्या डिफरेंस है पहले वाले से, सिर्फ इतना डिफरेंस है बेटे यहां पे भी स्लोप क्या मिलेगा आपका पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा स्लोप बच्चों, यहां पर एक्सीलरेशन था यहां डीएक्सीलरेशन होगा इस ग्राफ में, एक ऐसे मिलेगा पॉजिटिव, यहां बेटे लिखेगा जरा स्लोप यानी टेन थीटा क्या मिलने वाला बेटा इसके लिए टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा टेन थीटा मिलेगा क्या बेटे आपका, जिसको आप स्लोप लिख सकते हैं, और स्लोप क्या होगा बेटे डीबी बाई डी टी होगा इसका भी,
तो डीबी बाई डी टी को लिख सकते हैं टेन थीटा, और थीटा बेटा क्या है देखिएगा एंगल, थीटा आपको किससे दिख रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी टेन थीटा का वैल्यू जब थीटा बेटे 90 डिग्री से बड़ा होता है तो निगेटिव होता है, यानी ये वैल्यू आने वाली निगेटिव, यानी ये रिलेशन से बेटे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि डीबी बाई डी टी क्या मिलता है आपको एसिलेशन मिलता है, तो एसिलेशन बेटा यहां आने वाला है कैसा निगेटिव आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा एसिलेशन निगेटिव है तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं डी एसिलेटेड मोशन होगा, यानी क्या कर रहा होगा मोशन का अपोज कर रहा, मोशन क्या कर रहा होगा वेलोसिटी को धीरे धीरे घटा रहा होगा, तो यहां कर्व में बच्चों देखिएगा वेलोसिटी धीरे धीरे घट के जीरो आ जा रही है, यहां बेटा एसिलेटेड मोशन है यानी वेलोसिटी का आपके बढ़ा रहा होगा, तो यहां देखिएगा वेलोसिटी क्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो दोनों में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटे। थर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर ध्यान से देखें आप, पिछले जैसे ही है इस बी वाले से सिमिलर है बच्चों, बस इतना डिफरेंस है कि वो टी जो इक्वल टू जीरो बच्चों पोजिशन उसकी जीरो थी, यानी टी जो इक्वल टू जीरो सॉरी वेलोसिटी जीरो थी बच्चों, यहां टी जो इक्वल टू जीरो पे क्या मिल रही समथिंग वेलोसिटी, सपोज करो बी वन है तो टी जो इक्वल टू जीरो पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है बेटे इस पार्टिकल के, अगर इस कर्व को ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है बेटा टी जो इक्वल टू जीरो पे क्या मिलने वाला है आपकी वेलोसिटी बी वन, बाकी सब कुछ ऐसे ही है, यहां पे बच्चों क्या होगा स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट आने वाला है, यानी थ्रू आउट जो बच्चों एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, कैसे होगा बेटे पॉजिटिव होगा, जरा देखिएगा क्यों, एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है थीटा एंगल, थीटा लेस देन कितना है बेटे 90 डिग्री है। अब बेटे एक चीज आपको समझ में यहां समझाने में कोशिश करूंगा कि बेटे अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है तो सिंपल सा बात है जो भी स्लोप आएगा कांस्टेंट आएगा, पहली बात। सेकेंड बात बच्चों ये ध्यान रखिएगा स्लोप से क्या मिलता है किसी के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, कुछ भी टाइम ग्राफ हो, यानी एक एक्सिस पे लिखा हो, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड कुछ भी लिखा हो, एक्सीलरेशन कुछ भी लिखा हो, नीचे वाली एक्सिस बेटे क्या लिखा हो टाइम लिखा हो आपका, ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो ठीक है इस पर कुछ लिखा हो इस पर कुछ लिखा हो तो डी वाई बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी क्या देगा, ये निकालना हो तो आप सिंपल से निकालिएगा उसका यूनिट, जो बेटा उसकी यूनिट आएगी वही उसका क्या देगा स्लोप देगा, यानी डी वाई बाई डी टी लिखोगे या डी एक्स बाई डी टी या डी बी बाई डी टी जो भी लिखोगे बच्चा उसका निकालिए आप यूनिट, जैसे यहां यूनिट हमने निकाला क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बेटे वी और टी कर्व है तो डी बाई डी टी क्या दे दिया आपका एक्सप्रेशन दे दिया, यही चीज बेटे ध्यान रखना किसी का स्लोप कभी भी ले यहां के अलावा भी कहीं बच्चे स्लोप निकाले तो सिंपल सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्लोप निकाल रहे हैं उसकी क्या रही यूनिट, जो यूनिट आएगी वही स्लोप उसका देगा, यहां पे यूनिट क्या आ रही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी स्लोप क्या देगा बेटा इसका एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। और अगर बच्चों ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, एक चीज और ध्यान रखना है जो भी निकलेगा उसका डेरिवेटिव वो क्या होने वाला कांस्टेंट होने वाला, जैसे यहां वी बाई टी में एक्सीलरेशन निकल रहा है इसको जब क्या कर रहे हैं डी बाई डी टी निकाल रहे हैं तो क्या होगा थ्रू आउट कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए बेटे एक्सीलरेशन का थोड़ा ग्राफ परिचित होते हैं, एक्सीलरेशन आपने देखा होगा बेटे, अभी मैंने बताया था एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से कर रहा है मोशन नॉन यूनिफॉर्म, जब एक्सीलरेशन ही बच्चों चेंज हो रहा था, ध्यान दीजिएगा यहां बेटे बी वाले कर्व को पहले ध्यान से देखिएगा बेटे, टाइम के साथ क्या है टाइम टी इज़ इक्वल टू जीरो पे एक्सीलरेशन सपोज करो बेटे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम टी इज़ इक्वल टू जीरो बेटे एक्सीलरेशन कांस्टेंट कांस्टेंट यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम बढ़ता गया फिर भी बच्चों एक्सीलरेशन क्या है 2 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बेटे कैसा कर्व है कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यहां पे बेटे इस कर्व में क्या कांस्टेंट बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट बेटे एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है बेटे, बी कर्व को ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन को बच्चों डायरेक्ट ऐसे ही लिख दें तो ये आपका क्या है बेटे यहां पे कांस्टेंट, यहां बेटे सेकंड कर्व को देखिएगा आप, एक्सीलरेशन टाइम बच्चों ग्राफ है ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है देखिए ध्यान से, यहां पे टाइम बढ़ रहा है देखिए, यहां टाइम बढ़ा टाइम बढ़ा टाइम बढ़ा तो आपके बेटे एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, देखिएगा टाइम बढ़ा तो एक्सीलरेशन आपका ए आ गया, इस पॉइंट पे बेटे क्या एक्सीलरेशन आ गया ए आ गया, इस पॉइंट पे आ गया ठीक है, तो टाइम बढ़ रहा है बच्चों तो आपका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा केस मैंने बच्चों आपको
जब फिगर लेके समझाया था तो टाइम के साथ एक्सेशन बढ़ रहा था। देखे ना, एक केस जो आप लड़का दौड़ रहा था उस केस का मैंने एग्जाम्पल, आप वही एग्जाम्पल बच्चों है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन का एग्जाम्पल है बेटे। जरा बेटे ध्यान दीजिएगा, इसका स्लोप के बारे में बात करें अगर, चलिए स्लोप लिखते हैं क्या, डी ए बाई डी टी। बेटे एक्सेलरेशन को अगर ए से लिख दें, टाइम को टी से, तो क्या लिख देंगे बेटे, डी ए बाई डी टी। इसका स्लोप क्या होगा, थीटा होगा, जिसे आप लिख सकते हैं टाइम थीटा, जिसे आप बोलेंगे बेटे स्लोप। तो इतना तो समझ में आ रहा है, थीटा एक्यूट एंगल होगा बेटे, यानी टैन थीटा पॉजिटिव होगा, यानी डी ए बाई डी टी जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। डी ए बाई डी टी होता क्या बेटे, ध्यान दीजिएगा, डी ए बाई डी टी आपका होता है एक्सेलरेशन की, अगर इसकी क्या लिखनी हो यूनिट, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा क्या होता है तो क्या लिखेंगे, यूनिट दोनों को लिखेंगे। एक्सेलरेशन की यूनिट बेटे क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट बेटा होता है सेकेंड, इसकी यूनिट लिखेगा मीटर पर सेकेंड क्यूब आ गया। सर मीटर पर सेकेंड क्यूब यूनिट हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था बेटे। एक नया टर्म होता है जिसे आप बोलते हैं जर्क, ठीक, क्या होता है बेटा, जर्क होता है, यानी डी ए बाई टी टी यानी एक्सेलरेशन टाइम बच्चों ग्राफ हो, अगर उसका ले लें हम क्या स्लोप निकालें तो देगा आपका जर्क। और इससे पता चल रहा है बेटे स्लोप कांस्टेंट है, यानी क्या है हमारा जर्क थ्रू आउट मोशन क्या होगा बेटे, कांस्टेंट होगा। चलिए ये बेटे कुछ ग्राफ्स थे आपके, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और साथ ही साथ बच्चे आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या कांस्टेंट रहता है स्लोप से, आपको मैंने क्या बच्चों सिखाया ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक, स्लोप कैसे बढ़ता है कैसे घटता है बेटे, मैंने ये चीज थोड़ा बहुत बेसिक आपको सिखाया ग्राफ। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन आपका है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बच्चों गिवन है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पार्टिकल बच्चों एंगल बना रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, बच्चों इनकी वेलोसिटी निकालना है। सपोज करो बेटे वन है ये टू है, क्या बेटे ये पार्टिकल वन है पार्टिकल टू है, इनकी निकालना बेटे वेलोसिटी। तो अगर वन की बेटे वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से लिखें, टाइम को टी से, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी आपको बताया बेटे अगर वन की वेलोसिटी चाहिए तो आप लिखे क्या डीएक्स बाई डी टी, क्या लिखेंगे बच्चों इसका स्लोप, स्लोप कैसे लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं डीएक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं बच्चों, जिसे आप बोल सकते हैं स्लोप, जो क्या होगा टेन फोर्टी टेन थर्टी डिग्री होगा बेटे। अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, वन के लिए बात कर रहे हैं, इसका स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बच्चों स्लोप क्या देता है आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपका क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपका देगा क्या बच्चों, वेलोसिटी देगा। आप नहीं आता है तो यूनिट निकाल के चेक कर लीजिए, तो क्या दे रहा है बच्चों वेलोसिटी देगा आपका है। अगर वन की वेलोसिटी बच्चों बी वन से लिखें तो बी वन की वेलोसिटी जो इक्वल टू क्या हो जाएगी टेन ऑफ थर्टी हो जाएगी। ऐसे बेटे बी टू की जरा वेलोसिटी आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, कितना एंगल बच्चों बना रहा है देखिएगा B2 45 डिग्री, तो B2 क्या हो जाएगा बेटे, इसको भी क्या लिख सकते हैं आप tan 45 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे स्लोप क्या होगा इसका tan 30 होगा, और इसका स्लोप क्या देगा बेटे, स्लोप क्या होगा dx by dt, तो dx by dt क्या देगा बच्चों इसका, इसका दे देगा आपको वेलोसिटी दे देगा। वन पॉइंट पे निकालोगे थीटा का वैल्यू कितना लगना पड़ेगा बेटे 30, वेलोसिटी कहां होगा वन पे, इसे भी क्या लिख सकते हैं डीएक्स बाई डी टी एट पॉइंट टू पे, समझ पा रहे नहीं वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी डीएक्स बाई डी टी, अभी बच्चों मैंने बताया कि डीएक्स बाई डी टी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है तो आपको देगा वेलोसिटी। अगर वन की वेलोसिटी लिखना है क्या होगा इसका स्लोप, इसका स्लोप कैसे लिख सकते बेटे डीएक्स अपॉन डी टी, किसका वन पे बात कर रहे हैं जिसे आप स्लोप भी बोलते हैं, कितना होगा टेन थर्टी के इक्वल होगा। सेकेंड बच्चों पॉइंट टू के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट के लिए क्या होगा बेटे बी टू जो टेन फोर्टी फाइव, यानी पॉइंट टू की वेलोसिटी बच्चों हो जाएगा। इसको बेटे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा वन अपॉन रूट थ्री बेटे होती है, और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है बच्चों वन होती है। तो आपका रेशियो निकालना था दोनों वेलोसिटी का, जरा वन और टू का बच्चों रेशियो निकालिएगा, रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी बच्चों निकालनी है, तो वन और टू का रेशियो बच्चों निकालिएगा क्या आ जाएगा आपका,
तो क्या आ जाएगा, बी वन अपान बी टू, जरा देखिएगा बेटा क्या आ रहा है, वन अपान रूट थ्री अपान बेटे वन, ठीक है, वन अपान रूट थ्री अपान वन बच्चे करिए क्या आ जाएगा, वन बाय रूट थ्री, यानी बेटे बी वन रेशियो बी टू आपका आ जाएगा वन रेशियो रूट थ्री, ठीक है, समझ में आया कैसे निकालेंगे बच्चों। स्लोप ही बच्चों क्या होता है आपका, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, स्लोप देता है आपका, वेलोसिटी देता है, स्लोप कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया बेटे, dx by dt at position one, जिसको आप स्लोप बोलेंगे, जिसको लिखते हैं आप tan 30 उसकी वैल्यू लिखिए, फिर दूसरे कर्व के लिए बेटे क्या कहे, बी टू जो कर लो tan 45 हो जाएगा स्लोप उसके लिए, जिसको आप dx by dt at point two लिख सकते हैं, कितना आएगा बेटे आपका वन आ जाएगा, दोनों का रेशियो लिख दीजिए वन रूट वन रेशियो थ्री आ जाएगा बेटे, यानी आपका लास्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप बेटे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी अगर पार्टिकल बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड यानी थ्रू आउट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो, तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या क्या लिखते हैं ये बच्चों देखते हैं, तीन थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखा होगा, जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन आप बोलते हैं, क्या पढ़ रखा बेटा, बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ऐसा कुछ पढ़ रखा आपने। देखिएगा सुपोज ए बॉडी बच्चों, पहला फर्स्ट इक्वेशन जरा देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों जरा देखिएगा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ रखा वही बेटे यहां पर है, कुछ यहां पर कहा गया बेटे, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, यू हो यानी टी इक्वल टू जीरो, बच्चों क्या गिवन हो आपकी वेलोसिटी यू गिवन हो, और टी टाइम पर बच्चों वेलोसिटी आपकी वी हो जा रही हो, गिवन है आपका, तो ऐसा आप एक्सीलरेशन लिखना चाहे एवरेज एक्सीलरेशन बेटे देखिएगा, ए से बी अगर कोई पार्टिकल जा रहा हो, टी वन इक्वल टू बेटे जीरो हो, टी टू क्या हो आफ्टर टाइम टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो बेटे यू, फाइनल आपका क्या हो जाए बेटे वी, तो एक्सीलरेशन आप लिख सकते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं एक्सीलरेशन बेटे, यहां से ध्यान दीजिएगा, एवरेज एक्सीलरेशन होता क्या बेटे आपको पता है, वी टू माइनस बी वन अपान टी टू माइनस टी वन बेटे, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे जैसे लिखा है आपका वी माइनस यू अपान टी माइनस जीरो, जो हो जाएगा बी माइनस यू बाई टी हो जाएगा बेटे, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ तरह आ जाएगा बेटे, बी बराबर यू प्लस ए टी, जो आपका ऐसे होता है, देखिएगा जो आपने पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन कितने टाइप का, थ्री टाइप का, ए बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहे, ध्यान करिएगा बेटे इंपॉर्टेंट, ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट हो, अगर एक्सीलरेशन बच्चों कांस्टेंट नहीं होगा तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाली नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में को के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन बेटे तभी सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज बच्चों आपको डिफरेंशियल फॉर्म से करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाएगी वहां पे, यानी एक्सीलरेशन बच्चों क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देखो बेटा बोल रखा है ए बोल रखा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी ये सारी इक्वेशन तभी वैलिड है जब बच्चों ए क्या हो कांस्टेंट हो, यानी आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला केस हो तब, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों ग्राफ से करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ ग्राफ से करते हैं, आइए देखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ए बेटे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब तो बताने की जरूरत नहीं बेटे, इनिशियल बच्चों एट टी इक्वल टू जीरो पे अगर यहां पर है, यानी ऑलरेडी सम वेलोसिटी है बच्चों, इनिशियल में वेलोसिटी जीरो नहीं है, कितनी है बेटे यू है आपका, दिख रहा होगा यू बेटे यू गिवन है आपका, ध्यान दीजिएगा यू गिवन है एट टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, और बेटे क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटे है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी अभी मैंने समझाया बेटे क्या देता है, जिसको लिख सकते हैं आप डीवी बाई डी टी, और जो देता है बेटे आपका एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होगा बेटे थीटा एंगल हो, डीवी बाई डी टी जो टैन थीटा बेटे लिख सकते हैं, और टैन थीटा क्या होना बेटा, थीटा एक्यूट एंगल होगा, थीटा पॉजिटिव आना है, यानी एक्सीलरेशन यहां पॉजिटिव आना बेटे, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोटिस करने वाली बात है बेटे, क्या है कि एक्सीलरेशन थ्रू आउट मोशन में कांस्टेंट है,
यानी यूनिफॉर्म मोशन का केस है बेटे। और हमने क्या अभी भी बताया, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए होंगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाले के लिए होंगी, यानी एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आएगा। आपको यहां से पता चल रहा है बेटे स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो ए क्या होगा बेटे आपका कांस्टेंट आएगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस ग्राफ जो आपको मैंने पढ़ाया है उससे आपको पता चल गया होगा बेटे स्ट्रेट लाइन कर्व है। सिंपल सा बात है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, देगा एक्सेलरेशन बेटे स्लो, और बेटे एक्सेलरेशन कैसे आने वाला है कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि बेटे क्या होगी स्लोप इसकी कांस्टेंट आएगी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटे आपका कांस्टेंट आएगा। चलिए बेटे, यानी सारे इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है बेटे। गलती से कहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मत लगा देना, यानी एक्सेलरेशन जब वेरी कर जाए तो वहां ये सब फार्मूले बिल्कुल मत लगाइएगा, गलती से भी मत लगाइएगा, नहीं सब कुछ गलत आने लगेगा। चलिए बेटे इसका प्रूफ करते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर सपोज करो वेलोसिटी बेटे u है, और t इज इक्वल टू t पर बच्चों वेलोसिटी आपकी p हो जा रही है, यानी इनिशियल t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी u है बेटे, कुछ टाइम बाद t पर वेलोसिटी p हो जा रही है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ बनाने में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ग्राफ बनाने में बेटे ग्राफ जो बना है ऐसे ही आपका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बेटे आपको निकालना है क्या एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है, अगर बेटे इसका एक्सेलरेशन निकालना है स्लोप से बच्चों निकाल सकते हैं, स्लोपित बच्चों क्या है एक स्लोप के ही तो इक्वल है चीजें। स्लोप बच्चों कैसे लिख सकते हैं आप, स्लोप को मैंने इनिशियल में सिखाया था बेटे ए डिस्टेंस अपॉन ए डिस्टेंस, स्लोप क्या होता है टैन थीटा के डिस्टेंस अपॉन ए डिस्टेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बेटा इसको आप ट्रायंगल बना दे, ध्यान दीजिएगा ये आपका ट्रायंगल हो गया, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा। देखिएगा बच्चों एक्सेलरेशन जो किसके बराबर होगा बेटे एक्सेलरेशन के, आपका स्लोप ही बच्चों क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, आपको पता है बिल्कुल। तो स्लोप ही बच्चों जब आपका एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, स्लोप को ऐसे लिख सकते हैं बीडी अपॉन एडी, और BD बेटे क्या है आपका ध्यान से देखिएगा, अगर बेटे V है और ए U है तो V माइनस U ही तो है बेटे, फाइनल वेलोसिटी आपकी V है इनिशियल U है, तो BD वाली ये डिस्टेंस क्या है बेटे B माइनस U ही तो है, कुछ अलग तो नहीं है, क्या है आपका B माइनस U है। और बेटे अगर ये देखें A से D तक का डिस्टेंस तो क्या है बेटे टाइम T ही तो है यहां तक, यहां से यहां तक का कर्व पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो यानी A से E तक जाने में यानी वेलोसिटी u से v होने में यानी a से u से वेलोसिटी v होने में टाइम कितना ले रहा है बच्चों t ले रहा है, तो ad क्या हो जाएगा आपका t, bd क्या हो जाएगा b माइनस u। अब बेटे इसका रेशियो अपान इसका रेशियो हो तो टाइम थीटा होता है जिसे आप स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है ठीक है, और स्ट्रेट लाइन हो तो बेटे कांस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, ये भी चीज मैंने बता दिया। तो क्या फाइनल देगा बेटे BD अपॉन AD लिख सकते हो, बिल्कुल लिख दिया मैंने बेटे, इसको सिंप्लीफाई करिएगा। अब क्या है BD अपॉन AD, BD बच्चों A ही लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, AD को बच्चों OC भी लिख सकते हैं आप, दोनों सेम ही तो है बेटे, ध्यान से देखिए फिगर को बेटे, A डिस्टेंस A डिस्टेंस दोनों सेम ही है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया AE अपान OC, ऐसा क्यों सर किया, क्योंकि बेटे OC की वैल्यू क्या है T आप लिख देंगे, और बेटे AE को आप लिख सकते हैं क्या OE माइनस OA, यानी बेटे इस टोटल वाले में इस वाले को घटा देंगे तो AE मिलेगा ना। अगर टोटल लेंथ है बच्चों यहां से लेकर यहां तक में, यहां से लेकर के ओ से ले तक के एक घटा देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटे, वैल्यू क्या आ जाएगी ई से लेकर ए तक की वैल्यू आ जाएगी, वही बेटे यहां किया है। OE की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे ओ से ई की वी होती है, और ओ से ए की बेटे यू होती है, टाइम लगेगा टी, तो बी माइनस यू बाई बेटे टी हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा बेटे टी से मल्टीप्लाई एटी हो जाएगा तो आ जाएगा बी बराबर यू प्लस एटी, जिसे क्या बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे यहां लिखा पड़ा। यानी ग्राफ से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ग्राफ प्रॉपर बना है, इसका लिख दीजिए बेटे स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, ए बराबर स्लोप लिखिए
स्लोप में आप पे या पाने कर दीजिए। अब उसको ट्रायंगल में कर रखा है तो आप प्रॉपर वैल्यू रखिए, बोर्ड में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको ए लिख देंगे, ए को लिख सकते हैं किसका, ओई माइनस ओई लिख सकते हैं, इसका माइनस इसका कर सकते हैं, कर दिया। और ए बी को बेटे ओसी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जितना ए डी है बच्चों उतना ही ओसी एन टी के बराबर है, ऐसे लिख के सिंप्लीफाई कर दिया। स्टेप बच्चों फॉलो करना पड़ेगा, क्यों, नंबर लेने हैं बोर्ड में तो फॉलो करने पड़ेंगे, तो ऐसे स्टेप से आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपरली बी बराबर यू प्लस ए टी, यानी इसे बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके किसके हेल्प से बच्चों निकाला हमने, ग्राफ की हेल्प से निकाला। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ रखा है, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ रखा आपने, देखिएगा बेटे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां बेटे ग्राफ देख, ग्राफिकल मतलब से बच्चों निकलवा रहे हैं, ये आपका प्रॉपर ग्राफ बना है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ बना बेटे, ग्राफ में देखिएगा पार्टिकल कहां, इनिशियल में कुछ वेलोसिटीज की है, यू है, शायद आपको दिख रहा हो बेटे यू है, इनिशियल में इसकी कुछ वेलोसिटी यू है। अब बेटा अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू स्क्वायर को विद ग्राफ से, तो एवरेज वेलोसिटी बेटे एक टर्म होता है, देखिएगा बेटे आपका है, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो, अब मैं आपको बता रहा, पहले यहां पर आप ग्राफ देखेंगे बेटे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटे आपकी यू है, यानी ये यहां पर वेलोसिटी आपकी यू है टी इक्वल टू जीरो पर, फिर आपकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है बेटे यहां पर वी हो जा रही है, ऐसा कुछ यहां पर बी हो जाएगी आपकी, ये वेलोसिटी बेटे बी हो जाएगी आपकी टाइम टी पे। बेटे देखिए ऐसा मोशन कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सिंपल बात है, अगर इसको क्या करेंगे आप इसका निकालना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, स्लोप मिल जाएगा। और बेटे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटे, आप लिख सकते हैं वी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहां ध्यान दीजिएगा, वी इक्वल टू लिख सकते हैं आप डीएफ डीएस बाई डीटी लिख सकते हैं, बी क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी लिख सकते हैं आप डीएस बाई डीटी लिख सकते हैं या डीएक्स बाई डीटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां पर यस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ध्यान दीजिएगा। और बेटे टी किसको, टाइम को, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है डीएस, डीटी जो है टाइम में चेंज को। तो बेटे अगर डीएस लिखना चाहें तो ऐसा क्या लिख सकते हैं, वी डीटी बिल्कुल लिख सकते हैं, डीएस कैसे लिख सकते हैं बेटे, बी डीटी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बात की नहीं, बीएस डीएस इक्वल टू बी डीटी बच्चों लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा अगर बेटे टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, टर्म इंटीग्रेशन का आता है, ध्यान दीजिए समझने की कोशिश करिए, इंटीग्रेट जब करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल किसका, वीडीटी। वीडीटी क्या होता है, अगर आपको यह ना समझ में आए कि इसका इंटरेस्ट इंटीग्रेशन क्या दे रहा है तो आप निकालिए यूनिट, यहां पर भी आप वेलोसिटी की यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, और टाइम डीटी की यूनिट भी क्या होगी, सेकेंड ही होगी, डीटी से कुछ चेंज होने वाला नहीं, जो टी की यूनिट होगी वही डीटी की होगी, यानी सेकेंड, यानी बेटे सेकंड सेकंड कट गया, आ गया मीटर, मीटर बेटे किसकी यूनिट हो सकती है, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, यहां वेलोसिटी की बात हो रही है, सिंपल बात है, डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी अगर डीएस को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, वीडीटी लिखेंगे तो वीडीटी क्या देगा आपका, डिस्प्लेसमेंट को देगा। यानी ध्यान दो बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी बेटे वीडीटी का मतलब है कि टोटल एरिया आप निकाल ले, ए वाला ध्यान दीजिएगा, यानी ओ ए बी सी ए टोटल एरिया बच्चों निकाल लें तो इसका क्या दे देगा आपका, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों दे देगा, और हमें यस वही निकालना है, समझ पा रहे नहीं, इस कर्व बच्चों हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो क्या होगा एरिया अंडर द कर्व, यानी इसका एरिया होगा बेटे, टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर लें, यही आपका आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हैं, यहां से आप समझने की कोशिश करिए, कान्हा क्या चाहता है, एरिया निकालने की बात कर रहा है, क्योंकि बेटे इक्वेशन आपको यस बराबर यूटी प्लस हाफ पेटी स्क्वायर में निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट बच्चों कैलकुलेट करना आपका, यानी टोटल एरिया निकालने आपको क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कैसे निकलेगा वो बेटे आगे प्रोसेस आपका है, देखिएगा ध्यान से जरा बेटे, क्या की बेन है, यस इज इक्वल टू ए प्लस ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी, ध्यान दीजिएगा यहां पर
यस को क्या लिख सकते बेटे, एसी इंटू ओसी। एसी क्या है बेटे, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ओए क्या है, ओए इंटू ओसी। अगर बेटे दोनों फिगर को ध्यान से देखें, अगर इसका टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट यानी यस को दे रहा है, यस ही तो बच्चों आपको निकालना है, बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर में एसिफ निकालना है। यस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता चला भैया इसको पूरा इंटीग्रेट के मतलब पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, तो हमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, हमने यूनिट चेक कर लिया, हाँ भाई मीटर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस तो आता नहीं। चलो तो इसका एरिया निकालने बेटे दो तरीके आपके पास, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ध्यान दीजिएगा बेटे, पहला तरीका हो सकता है आप इसका एरिया लिखें, यानी ये जो रेड करते जा रहे हैं इसका एरिया आप लिखें, इस रिक्टेंगल का बच्चों एरिया लिखें, अब प्लस इस ट्रायंगल के एरिया दोनों क्या करें आप बेटे ऐड कर दें, इस रिक्टेंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया बच्चों लिख के क्या कर दें ऐड कर दें, तो आपका किसका एरिया बच्चों आ जाएगा, इस टोटल जो आपका बना हुआ फिगर इसका एरिया आ जाएगा। बेटे हमने वही किया, इस रिक्टेंगल के एरिया के लिए क्या करेंगे, ओए इंटू ओसी कर देंगे, ये लिख लिया। बेटे इस ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या लिख देंगे, हाफ एडी इंटू बीडी। एडी क्या है बेटे, ए है, बीडी आपका ए है, लिख दिया हम। अब बेटे इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ओए और ओसी को ध्यान से देखिएगा बेटे, ओए क्या है आपका, यू। ओए किसके बराबर, आपके यू के। ओसी भी बेटे किसके बराबर है, टी के। तो क्या इसके एरिया को आप यू इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया आपने यू टी। चलिए बेटे इसके एरिया को लिखते समय थोड़ा सावधानी बरतना है, क्यों, क्योंकि बेटे हमें हाफ ए बेटे आपका प्लस नहीं होगा, इंटू होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा ए प्लस नहीं होगा बेटे, हाफ होगा, यहां पे क्रॉस का साइन होगा, हाफ इट स्क्वायर होगा, हमें यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर में कन्वर्ट करना बेटे। इसलिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहां क्या कर दे बेटे, एडीज क्या कर दे हम, मल्टीप्लाई और एडी से डिवाइड। ऐसा इसलिए कर रहे बच्चे कि हाफ एटी में कन्वर्ट हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटे, अगर एडी से मल्टीप्लाई कर दे एडीज डिवाइड कर दे, हमने एडीज मल्टीप्लाई कर दिया एडीज डिवाइड, अरे कट करोगे तो वही इनिशियल वाला आ जाएगा, एडी इंटू बीडी आ जाएगा, तो कोई पहाड़ तो टूट नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसा कर देंगे। चलिए आगे बढ़े, हमने कर दिया बेटे एडी इंटू मल्टीप्लाई किया एडीज डिवाइड कर दिया, जरा बेटे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, एडी स्क्वायर और बीडी अपॉन एडी आ जाएगा। और बेटे एडी स्क्वायर को ध्यान से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, टी, ये टी के बराबर है, देखिएगा ओसी बराबर एडी है जो कितना है, टी टाइम के बराबर है, तो हाफ टी स्क्वायर आ गया बेटे, बचा क्या, बीडी अपान एडी बचा। और ध्यान से बच्चों देखें तो बीडी अपान एडी क्या है, स्लोप ही तो है, मैंने क्या समझाया बेटे, ये स्लोप क्या होगा आपका, वी और टी के बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्लोप देगा आपका एक्सीलरेशन देगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, ए लेंथ, स्लोप निकालेंगे तो ए लेंथ अपान ए लेंथ, वाई तो गिवन है, यानी बीडी अपान एडी क्या दे देगा बेटे, स्लोप दे देगा, स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप देगा आपका एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि बेटे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है बेटे, कांस्टेंट होता है, यानी एक्सीलरेशन क्या मिलने वाला है आपको, कांस्टेंट मिलने वाला है, जिसको बेटा आप ए लिख देंगे, तो फाइनल क्या आ गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। स्लोप कैसे निकालेंगे, जो ए के बराबर होगा बेटे, ये गिवन है, ए इज इक्वल टू टैन थीटा क्या होगा, हाइट अपान बेस, बीडी अपान एडी, तो आपका बेटा इक्वेशन आ गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। सेकेंड आप क्वेश्चन ऑफ मोशन बेटे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, देखिए जरा, ये तो बेटे ग्राफिकल मेथड हो गया, ऐसा एक जनरल तरीका आप देखिए बच्चों, अगर पार्टिकल ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट इसको भी देख लीजिए, पार्टिकल बेटे ए से बी जा रहा है, ए से बी बेटे जा रहा है, वेलोसिटी से कितनी हो जा रही है, इनिशियल यू है, बाद में बी हो जा रही है, और बेटे अगर ए बराबर ए क्या है, कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है पार्टिकल, अगर बेटा इसका एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहे तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, तभी बेटे ये फार्मूला लिख सकते हैं, जब एक्सीलरेशन थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट हो, यानी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बी एवरेज आ जाएगा बेटे, ध्यान दीजिएगा। फिर बेटे क्या करेंगे, डिस्टेंस टेबल अगर हमको निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनली क्या था पार्टिकल, पार्टिकल आपका इनिशियल वेलोसिटी यू से कैसे ट्रेवल कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी बी तक जा रहा है,
और बेटे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो क्या हम निकाल सकते हैं इसे बी जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी? और अगर थ्रो आउट एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग सिग्निफिकेंट क्या होता है बेटे, आप अलग अलग वेलोसिटी से यहां जाए या एक ऐसी वेलोसिटी ले जो क्या हो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो, जिससे आप जाएंगे ए से बी जितना टाइम लगेगा अलग अलग वेलोसिटीज पहुंचने में उतना ही टाइम आपको क्या लगने वाला है उस वेलोसिटी से कहां पहुंचने में, ए से बी पहुंचने में। और जितना डिस्टेंस आप पहले सिचुएशन में बच्चों कवर करेंगे उतना ही डिस्टेंस आप सेकेंड सिचुएशन में क्या करेंगे कवर करेंगे। तो बेटे एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, बी प्लस यू बाई टू। अब बेटे अगर ये डिस्टेंस एक्स है इसको निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी यानी बी वेलोसिटी थ्रू आउट ट्रिपल कर रहे हैं बी एवरेज से, और बी एवरेज और यहां ए से बी जाने बच्चे टाइम अगर टी लग रहा हो तो क्या लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टी। तो यहां से यहां तक का ए से बी जाने का क्या आ जाएगा बेटे, आपका आ जाएगा डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं बेटे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा, ये बेटे डिस्प्लेसमेंट लिख, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो आएगा क्या बी प्लस यू बाई टू इंटू टी। टी को बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आप मुझसे से ध्यान करिएगा आप कहें होता है, यहां से बेटे टी की वैल्यू आप रखिए क्या आ जाएगा बी माइनस यू बाई ए, यहां से बेटे सॉरी यहां से आप क्या रखिएगा बी की वैल्यू रखिएगा यू प्लस ए टी, यहां भी बेटे रख दीजिएगा फाइनल सिंप्लीफाई करिए बच्चों क्या आ जाएगा यस बराबर यू टी प्लस आप डी स्क्वायर। यानी बच्चों ग्राफिकल मेथड है जनरल मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी यस बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। चलिए बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं जो होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ऐसा कुछ होता है इसको ऐसे भी बेटे लिख सकते हैं क्या बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ऐसा भी लिख सकते हैं बेटे। शायद आप बेटे ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को, अगर ग्राफिकल मेथड से बेटे ध्यान से देखिएगा तो अगर बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इन्वॉल्व किसका होने लगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट का, किसका बेटे डिस्प्लेसमेंट का यहां इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या इक्वेशन में क्या दिख रहा है वी क्या है आपको मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यस क्या बेटे डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा यस क्या बेटे आपका डिस्प्लेसमेंट है इतना तो आपको पता ही होगा यस बेटे डिस्प्लेसमेंट अगर है, अगर बेटे डिस्प्लेसमेंट वर्ड का इन्वॉल्व होने लगेगा तो फाइनली हमको क्या निकालना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। आपको बात पता है बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट अगर हमको कहीं किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट यहां पे डिस्प्लेसमेंट को हो रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया देता है बेटे डिस्प्लेसमेंट, उसी से कुछ काम बनने वाला है यानी उसी से हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ होने वाला है। तो बेटे जरा इसका एरिया निकालने की कोशिश करिए, इसका एरिया क्या देगा आपका डिस्प्लेसमेंट देगा यस देगा, एरिया निकालने की बेटा कोशिश करिएगा तो क्या आएगा ए बी सी डी सी क्या बना ए बी सी ओ बच्चों बना ए क्या है बेटा टी इक्वल टू जीरो पे इसका मीनिंग ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है ऐसे पार्टिकल बेटे मोशन कर रहा है ध्यान दीजिएगा, तो टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी बेटे यू है और टी इक्वल टू कितना टाइम टी पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है बेटे वी हो जा रही है और ए से बी क्या है ए से बी पहुंचा रहा है यानी टाइम कितना ले रहा है बच्चों टी ले रहा है। तो क्या होगा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है टोटल बच्चों एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया बेटे दो तरीके से निकाल सकते हैं जैसे आप पहले पढ़ा इसका प्लस इसका, लेकिन बेटे और इजिली अगर हो जाए यानी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस आसानी से आ जाए इसके लिए बेटा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे ए बन रहा है बेटे क्या ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसमें क्या होता है बेटे ध्यान दीजिएगा इसको जरा ऐसे बना के आप देखें ट्रेपेजियम का आप निकालें एरिया ये बेटे आपका ऐसे बन जाएगा इधर कहीं आप ड्रा करें इसको प्रॉपर क्या बन बेटे इधर देखिएगा ये अब आपके नीचे ऐसा कुछ बन रहा है बेटे ऐसा आप इसको पलट दीजिएगा तो ऊपर ऐसे है ऐसे कर बन रहा है ऐसा कुछ बन रहा है शायद आपको अब क्लियर हो रहा होगा चीजें ठीक है। ये ऐसे पार्ट को मैंने क्या कर दिया पलट दिया ऐसे बन रहा है स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे जाके कहीं कट कर रहे हैं दोनों बेटे ठीक है ऐसे बेटे कट कर रहा है ध्यान दीजिए। अगर बेटे पॉइंट क्या है आपका वो गिवेन है हमने इसको उलट दिया ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कि किसके बारे में बात हो रही है बेटे ओ पॉइंट ए है ए पॉइंट ए है ओ ए क्या हो रहा हमने पलट दिया इसको ग्राफ को बस ऐसे कुछ भी नहीं किया
तो ओ ए बटे ए हो जाएगा और ओ ए हो जाएगा बच्चा बी सी, यानी बेटे बी सी ए हो जाएगा, बी बटे ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। इसको ऐसा पलट देंगे क्या बन जाएगा बेटे, ट्रेपीजियम बन जाएगा। और इसमें बेटे जरा एरिया निकालिएगा जरा क्या होता है इसका, तो बेटे अगर परपेंडिकुलर इसको ड्रा कर लीजिए, अगर बेटे कितना है टाइम टी गिवन है, तो अगर बेटे इसका एरिया निकालना, तो एरिया कैसे लिखते हैं आप ध्यान दीजिएगा, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे बेटे निकालते हैं, एरिया होता है क्या बेटे इसमें, इसमें वन बाय टू लिखते हैं, जो पैरेलल साइड्स बेटे होती हैं आपकी, पैरेलल साइड क्या है OA और BC है, तो पैरेलल साइड को क्या करते हैं बच्चे ऐड कर देते हैं, यानी OA प्लस BC। बेटे इसका एरिया निकालते समय क्या करते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, जो पैरेलल साइड है यहां पर दो पैरेलल साइड आपको दिख रही होंगी OA और BC बच्चों दिख रही हैं, इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, लिखेंगे हाफ ऑफ ये दोनों साइड का ऐड कर देंगे इनटू बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटे ओसी है, तो यही बेटा इस पूरे क्या हो जाएगा, इस सेक्शन का पूरा एरिया हो जाएगा हाफ OA प्लस BC इनटू बीच का डिस्टेंस, यानी इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो जो भी हो ओसी बच्चों, ठीक है। अब जरा बेटे इसमें ध्यान से देखिएगा, पैरेलल लाइन का अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यानी OA और BC की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा OA कितना है बेटे, A आपकी लेंथ U है और A लेंथ बेटे V है, ऐसे भी बेटे निकाल सकते हैं किसका, रिक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेंगल का एरिया प्लस, क्या प्रॉब्लम क्या आएगी बेटे, B बराबर U स्क्वायर बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए इसलिए बेटे इस तरीके से करते हैं, ठीक है ठीक है, इस तरीके से बेटे करते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका OA बच्चों दो पैरेलल साइड क्या होंगी बच्चों, U होगी, ये सेकेंड वाली पहले साइड बेटे B हो जाएगी, क्योंकि OA बच्चा कितना U है और BC कितना बेटे V है, और बेटे इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटे पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस बेटे है, ध्यान दीजिएगा ये कितना है बेटा आपका T के इक्वल है, यानी ये OC की वैल्यू बेटे कितनी आपकी T है जो ये गिवन है, तो एरिया बेटे लिखिएगा हाफ इंटू ओ सी ओ ए प्लस सी बी, अब सारी वैल्यू बेटे रखते जाइएगा आप, तो हाफ टी यू प्लस बी सारा कुछ मैंने बेटे मेंशन कर दिया, तो आ जाएगा बी प्लस यू जो कुल टू एस बाई टी आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटे यहां तक आ गया, अब बेटे आपने फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन पढ़ रखा है क्या होता है, बी माइनस यू जो कुल बेटे एटी पढ़ रखा है, जरा बेटे आपने पढ़ रखा है बी बराबर यू प्लस एटी, अगर बी माइनस यू के फॉर्म में लिख देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा बेटे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा ए ऐसा कुछ है a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में बच्चा, जिसको आप लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ फार्मूला दिख रहा है बेटे यहां पर लगता हुआ, ये बेटे फार्मूले के यहां पर यूज हो रहा है, ऐसा कुछ लगता हुआ दिख रहा है क्या, बी प्लस यू और बी माइनस यू, बेटे ध्यान से देखिएगा जब लेफ्ट साइड आपस मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का बन रहा है, यानी बेटे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और राइट साइड जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड क्या है 2s by t है बेटे और at है, यानी t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2s बच जाएगा, यानी फाइनल आ जाएगा b square minus u square, a आपस में tt कैंसिल हो जाएगा बेटे, क्या बेटे 2as बचेगा, और सिंप्लीफाई कर लेंगे u को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा b square equal to u square plus 2as, इसे बेटे बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो किस तरीके से बच्चों हम निकालते हैं आपको मैंने बता दिया, इसका एरिया क्या होता है बेटे एक कॉन्सेप्ट समझ के आप एरिया निकालने का तरीका बेटे क्या होता है, दो पैरेलल साइड बच्चों होंगे, ठीक है, दो पैरेलल साइड का क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे ए पैरेलल साइड यानी ओ ए प्लस सी बी, और इसके बीच के डिस्टेंस जो पैरेलल साइड होंगे उनके बीच का क्या होगा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा ओ ए से, एक कॉन्स्टेंट ही बेटा कहीं भी ले कॉन्स्टेंट रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ हाफ लगा देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा इसका एरिया, वही कंसेप्ट बच्चों हम क्या निकाल लेंगे इसका एरिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल से काफी कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा चीजें, तो इजी हो जाए इसलिए बच्चों ऐसा हमने किया। ये बेटे आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ध्यान रहे बच्चों सारी इक्वेशन ऑफ मोशन यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे वही आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहे, अगर थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है
तो एक क्वेश्चन नहीं लगेंगी ये दिमाग पे, अपने बैठा लीजिए दिमाग में कि ये सब तभी लगेंगी जब आपका क्या हो बेटा एसेशन कांस्टेंट हो। एसेशन बैरी कर गया सारे क्वेश्चन फेल कर जाएंगे। ठीक है चलिए जरा बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। ए शिप इज मूविंग एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। देखिएगा ध्यान से बेटे एक शिप मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बी कितना है बेटे, बी आपका 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है और बेटे क्या है एक सेकंड में यानी टी जो कुल बेटे 1 सेकंड लग रहा है, कहां पहुंच जा रहा है बेटे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है आपकी फाइनल वेलोसिटी को, अगर बेटे इसको आप सपोज करो यू है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बी आपकी हो जा रही 20 मीटर पर सेकंड। क्या बेटे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हुए दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बेटे एक्सीलरेशन क्या कह रहा है, व्हाट एक्सीलरेशन निकलवाना है, एक्सीलरेशन इसमें क्या है थ्रू आउट कांस्टेंट होने वाला, देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे लग जाएगी यहां पर, तो एक्सीलरेशन जरा लगाइए बच्चों कैसे निकलेगा आपका, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए क्या होगा, बी बराबर यू प्लस ए टी बच्चों लगा सकते हैं। ठीक है बी क्या है बेटे आपका 20 गिवन है फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी बेटे क्या है आपका 10, ए क्या है बेटे एक्सीलरेशन निकालना है, टी क्या है बेटे टाइम 1 सेकंड। जरा बेटे यहां से निकालिएगा आप एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा आपका 20 - 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे स्टार्ट करते हैं, अब क्या करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों अगला जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों को पढ़ना है। रिलेटिव वेलोसिटी बेटे आइए देखते हैं, जरा मोशन आप देखिएगा इस कार का मोशन आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे गया, फिर से जरा आप देखिएगा यहां से स्टार्ट हुआ बेटे यहां पर गया, और बेटे आप यहां पर और देखिए जरा बस का मोशन देखिएगा बेटे, यहां पे बस मोशन करके बेटे यहां गया, बेटे कार कहां गया यहां से यहां गया, और बेटे बस भी आपकी मोशन करके यहां से बेटे यहां गई। अगर आपकी कार कोई स्पीड अगर किसी ने पूछा जो बेटे कहां पर खड़ा हो बाहर इस ग्राउंड पे कहीं, आप सपोज करो बेटे ए है, आप यहां से बच्चों क्या देख रहे हैं इस कार को देख रहे हैं मोशन करते हुए कहां ग्राउंड पे बेटे खड़े हैं, और अगर आप बेटे आप बस यहां ग्राउंड पे खड़े हैं अगर बस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप बताएंगे क्या, बस की स्पीड बता देंगे किस स्पीड से जा रही है। ठीक है लेकिन बच्चों क्या है यहां पर खड़े होकर सपोज करो बेटे आपकी कार जा रही थी यहां थी इनिशियल में, इनिशियल में कहां थी बेटे देखिएगा फिर से आपकी कहां थी इनिशियल में ए थी, यहां से बेटे कहां गई यहां पे गई, तो बाहर आप कहीं यहां पे अगर बेटे खड़े होंगे तो आपकी स्पीड किस स्पीड से जा रही है आपको दिख रहा है कार, आप बताएंगे हां भाई इस स्पीड से दिख रही है। लेकिन क्या है सेकेंड बच्चों आपने क्या देखा एक ही स्पीड से जा रहे हैं, अगर ग्राउंड पर कहीं बाहर खड़े हैं तो आपको पता चलेगा हाँ भाई स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन बच्चों जब उस समय बच्चों आप स्पीड बता रहे हैं जब आप अर्थ पे खड़े हैं, ऐसा हो जाए बेटे आप कहीं कार में या बस में बैठे हो और आप देखना चाहें इसकी स्पीड यानी इसके रिस्पेक्ट में, समझ पा रहे बात नहीं, अगर बेटे दोनों ऑब्जेक्ट साथ मोशन कर रहा हो यानी कार और बस बेटे साथ मोशन कर रहा हो तो यहां पर जब वेलोसिटी जानना चाहते हैं यानी अगर हम मोशन के दौरान बस में से इस कार को देखें बच्चों तो इसकी जो स्पीड दिखेगी या जो वेलोसिटी बच्चों दिखेगी कार की वो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज करो बेटे अगर ट्रेन का एग्जांपल हो, अगर ट्रेन क्या जा रही है, अगर ट्रेन दो ट्रेनें आपस में जा रही हो तो आपने देखा होगा ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन बच्चों जा रही है तो क्या दिखता आपको, आपको दिखता अगर उनकी वेलोसिटी सेम कर दिया जाए तो आपको लगेगा दूसरी ट्रेन मोशन नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बेटा आपका जीरो आ जा रहा है इसलिए आपको मोशन करते हुए दिखेगी ही नहीं। अगर यही बेटे उल्टा हो जाए, मोशन क्या कर रहा है एक ट्रेन इस डायरेक्शन में कर रही हो दूसरी उल्टे डायरेक्शन में कर रही हो, आपने बेटे ऑब्जर्व किया होगा तो आपको क्या दिखता है दूसरी ट्रेन काफी फास्ट गुजर जाती है, क्यों, जब दोनों बेटे अपोजिट डायरेक्शन मोशन करती है तो रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे वाली ट्रेन की बेटे क्या हो जाती है बढ़ जाती है, आपको दिखेगा काफी तेज से गुजरते हुए, तो क्यों बेटा ऐसे होता है रिलेटिव वेलोसिटी कार बेटा होता है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी सेकेंड वाली ट्रेन की काफी ज्यादा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी अभी मैं बेटे बता रहा हूं। तो क्या होता है जब बेटे दो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हो और जैसे मान लो ट्रेन एक मोशन कर रही दूसरे, जब एक ट्रेन में बैठ के बेटे दूसरे ट्रेन को देखेंगे तो आपको कौन सी वेलोसिटी दिखती है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी दिखती है,
आइए बेटे देखते हैं कैसे निकालते हैं इस रिलेटिव वेलोसिटी को। आइए बच्चों बच्चों अभी क्या देखना है हमको, हमने देख लिया किस तरीके से बच्चों कार और आपके बस मूव कर रही थी, और किस तरीके से बच्चों वहां पे जब एक की वेलोसिटी दूसरे की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या होता है, कौन सा टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो यहां पर देखते हैं बच्चों कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी बेटे कैसे निकालते हैं देखिएगा। यहां पर टू पॉइंट गिवन है, क्या वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी बेटे अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, सपोज करिए प्रीवियस ही जो अभी मैंने कार और आपका बस के मोशन को बताया है, आप उसको समझिए बेटे। अगर आपकी सपोज करो ये बस है, ठीक है ये बेटे बस है आपकी, बस सपोज करो बेटे मूव कर रही है किसी डायरेक्शन इधर, ठीक है। अगर बेटे इसकी किस तरीके से लिखते हैं वेलोसिटी, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो आप ऐसे कुछ लिखते हैं, अगर आपका बेटे बस को आपने बी से रिप्रेजेंट किया तो इसको लिखेंगे क्या, वेलोसिटी आप इस बस बी की किसके रिस्पेक्ट बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जिसके आप रिलेटिव या रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसे क्या लेंगे बच्चों, जैसे बस की वेलोसिटी लिखनी थी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड। आप यहां खड़े होकर कहीं ग्राउंड से देख रहे थे इस बस को, बस बेटे इधर जा रही थी, अगर जो वेलोसिटी आपको दिखी उस समय बस की, यानी सिंपली आप ग्राउंड पे कहीं खड़े हो और बस बेटे जा रही हो, जो वेलोसिटी आपको दिखे अगर उसको लिखना चाहें हम तो ऐसे लिखते हैं बेटे, वेलोसिटी आप किस किस बस की किसके विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखा जाता है। यानी हम कहां खड़े बेटे, ग्राउंड पे, यानी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस बस को देख रहे हैं। अगर ग्राउंड पे खड़े हैं बेटे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस को देख रहे हैं तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर बेटे कार की बात करें, जो अभी कार आपने मोशन देखा था जस्ट पहले इसके, तो बेटे अगर सपोज करो ये कार है आपका, ये सपोज करो बेटे कार है, कार आपका बेटे इधर कहीं मूव कर रहा है ऐसे, जिसको आपने ए से लिखा है, तो अगर यहां से आप खड़े होकर के यानी ग्राउंड पे बेटे खड़े होकर के अगर इस कार को देख रहे हैं, अगर बेटा इसकी वेलोसिटी लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, वेलोसिटी आप किसकी बेटे, इस कार की। अब बेटे किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मैंने कहां से देख रहे हैं आप बच्चों, ग्राउंड से देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप कहां से देख रहे हैं बच्चों इस कार को, ग्राउंड से देख रहे हैं, तो लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ इस कार की किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये लिखने का बेटा तरीका होता है कि किस तरीके से वेलोसिटी को हम लिखते हैं, जैसे कार की वेलोसिटी, कार अगर मोशन कर रही हो और हम खड़े हो बच्चों कहां पे, ग्राउंड पे, और अगर बस मोशन कर रही हो किस वेलोसिटी से मोशन कर रही है, अगर हम ग्राउंड पर खड़े हैं यानी ग्राउंड से खड़े होने पे हमें किस वेलोसिटी दिखेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटे क्या है आपका, एक कार की है, देखिएगा ध्यान से, कार की है जिसको आपने क्या मार रखा बेटे, बी वन, ठीक है। यानी बेटे इस पॉइंट को आपने क्या मार रखा है, बी वन मार रखा है। सेकेंड बेटे क्या आपका गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इस बी में क्या लिखा बेटा, बस को, बस की वेलोसिटी बच्चों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आपने मार रखा बेटे, बी टू मार रखा। चलिए आपने बेटा एक रियल लाइफ में एग्जांपल देखा होगा, जब आप बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो और बेटे अगर ट्रेन मोशन कर रही हो तो आपको दिखता है जो बाहर की ऑब्जेक्ट है बच्चों पीछे की तरफ भाग रही, समझ पा रहे हैं, बाहर की बेटा को पीछे तरफ दिखती है, और बाहर से अगर आप खड़े हो और ट्रेन को देखें तो ट्रेन आपको इस डायरेक्शन में अगर जा रही हुई दिखती है, तो अगर अंदर बैठ के अगर बाहर के ऑब्जेक्ट को देखें बच्चों तो पीछे की तरफ भागते हुए दिखता है। यानी बेटे यहां पर वही कंसेप्ट लगा, यहां क्या लिखा हमने, इस बस की बच्चों वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी जब आप ग्राउंड से देखेंगे तो बस कैसे दिखेगी, मान लो सपोज करो बेटे इधर जाते हुए दिखेगी, ठीक है। तो अगर हम बेटे बस में बैठ जाएं तो हमको ये ऑब्जेक्ट यानी ये मैन बेटे कैसे दिखेगा, पीछे की तरफ भागते हुए। तो हमने क्या लिखा बेटे, उसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड यानी इस मैन की विथ रिस्पेक्ट टू बस, ग्राउंड मतलब बेटे इस मैन की, मैन तो बेटे ग्राउंड पर है, अगर इस मैन की बच्चों हमको वेलोसिटी देखनी हुई तो क्या दिखेगी, आप बस में बैठ के जरा ऑब्जर्व करिएगा, तो बस में जब बैठ के आप देखेंगे तो मैन पीछे भागते हुए दिखेगा, अगर बस किसी वेलोसिटी से आगे जा रही होगी तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी आप इस मैन को लिख लो या ग्राउंड को विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी मैन जो है बेटे ग्राउंड पे ही है, तो क्या लिख लिया हमने, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बस, क्या हो जाएगा बेटे, माइनस बी टू हो जाएगा, क्यों, बस बेटे इधर अगर जा रही होगी तो मैन ग्राउंड के साथ
या आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया बेटे, ग्राउंड भी आपको पीछे भागते हुए दिखता है बी टू वेलोसिटी से, तो मैन ग्राउंड के साथ कैसे भागता हुआ दिखेगा बी टू वेलोसिटी से बेटे, माइनस बी टू से। क्यों? अगर बेटे इधर आपने बी टू पॉजिटिव ले रखा है, वेलोसिटी है, तो इधर क्या होगा माइनस बी टू, इसलिए बेटे इसको ऐसे लिख देंगे। अब बेटे अगर ऐसा लिखा हो वेलोसिटी ऑफ बस लिखना है रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ बस से यानी इस बेटे बस ए की वेलोसिटी लिखनी है किसके रिलेटिव बच्चों, बी के रिस्पेक्ट में लिखनी है। ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा कहीं लिखा हो ए क्या है बेटे, ए यहां पर कार है, ध्यान दीजिएगा ए बेटे कार है, तो जहां पर ए है वहां पे बेटे कार लिखिएगा आप। यहां पर आपने कार का एग्जांपल लिया, ध्यान दीजिएगा बस की जगह आप कार कर लीजिए बेटे, एग्जांपल में आपने कार लिखा था। चलिए अब अगर बेटे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बेटे लिखना हो तो ऐसे आप लिखने की कोशिश करिए, कैसे इसको लिखते हैं जरा देखिएगा। इसको लिखेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड। बच्चों वेलोसिटी ए बी का अगर लिखनी हो तो यानी ए की वेलोसिटी किसके रिलेटिव में बच्चों, बस बी के रिलेटिव में, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए और बी क्या है बच्चों पता है, ए क्या है आपका कार है, बी आपका बस है। बाकी मैंने बेटे बी ए जी को क्या दे रखा है, यानी ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने बी वन ले रखा बच्चों, बी वन लिखा, और B की वेलोसिटी G के रिस्पेक्ट बच्चों B2 ले रखा हमने, इसको B2 लिख दिया, तो फाइनली क्या आ गया बेटे B1 माइनस B2 आ गया। ऐसे बेटे वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A अगर लिखना हो, जिसके साथ बेटा रिलेटिव होगा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखिएगा यहां पे वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A अगर लिखना है तो ऐसे लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू ग्राउंड। बेटे इस तरीके से इसको एज ए मैथमेटिकल लिखा जाता है, और ए वैल्यू आपको पता है बेटे v2 है, ए वैल्यू v1 है, ठीक है। ए बेटे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर, जिसके साथ रिलेटिव होगा बेटे उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ऐसे इस तरीके से बच्चों आप लिखते हैं।